Okay, I believe my voice was not there, guys. Hello and welcome to the Academy, and I welcome you all to this one-shot revision class of criminal law. इस अगले 2.5 से 3 घंटे की क्लास में हम पूरा क्रिमिनल लॉ रिवाइज करेंगे. फिर आपका क्लैट, MHCET, ILET या किसी भी अदर लॉ एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कर रहे हो, दिस वीडियो विल बिकम योर रेडी रेफरेंसर गाइड, जिसमें एक बार में आपको पूरा क्रिमिनल लॉ रिवाइज हो जाएगा. Are you guys doing? कैसे हो आप सब लोग? Welcome to the class, guys, and a very warm welcome to this very specific class of criminal law revision. Are you guys doing? ओके, वेलकम एवरीवन, वेलकम टू दिस वेरी स्पेशल क्लास. चलिए शुरू करें क्लास को. देखो, हम आज क्रिमिनल लॉ को पढ़ेंगे, है ना. अब क्रिमिनल लॉ के होता क्या है इसको समझते हैं. देखो, जब भी मैं क्रिमिनल लॉ की बात करता हूं, क्रिमिनल लॉ बेसिकली कैसा लॉ होता है, जो कि कुछ चीजों को प्रोहिबिट करता है सोसाइटी में, और अगर आप उन चीजों में इंगेज करते हो तो फिर आपको उसकी पनिशमेंट बताता है. ठीक है, बेसिकली इट इज द सैंक्शन ऑफ द सॉवरेन टू कमिट सर्टेन एक्ट्स, एंड इफ यू वर टू कमिट सर्टेन एक्ट्स आपको क्या पनिशमेंट मिलेगी, ये आपको क्रिमिनल लॉ ने बता दिया. अब यहाँ पर हम देखेंगे कि क्रिमिनल लॉ में दो तरीके के पार्ट हो जाएंगे. देयर विल बी टू पार्ट्स टू द क्रिमिनल लॉ. एक हो जाएगा हमारा सब्सटेंटिव पार्ट, और दूसरा हो जाएगा हमारा प्रोसीजरल पार्ट. ठीक है, क्या मतलब होता है सब्सटेंटिव पार्ट और प्रोसीजरल पार्ट का? सब्सटेंटिव पार्ट जो होता है वो हमारा डेफिनेशनल पार्ट होता है कि क्या क्राइम है और उसकी पनिशमेंट कितनी होगी. ऑन द अदर हैंड, जो प्रोसीजरल पार्ट होता है, दैट पार्ट इज बेसिकली समथिंग दैट टेल्स अस दैट व्हाट इज द प्रोसीजर दैट यू आर गोइंग टू फॉलो इन अ क्रिमिनल ट्रायल. आपके साथ जब भी कोई क्रिमिनल ट्रायल होगा तो आप क्या प्रोसीजर फॉलो करोगे, किस तरह से किसी ऑफेंस को प्रूव करोगे, तो एविडेंस किस तरह से रहेगा, तो ये सब्सटेंटिव प्रोसीजरल होता है ना. अब सब्सटेंटिव में इंडिया में जो लॉ है वो है इंडियन पीनल कोड ऑफ 1860. ठीक है, वेरियस अगर मैं प्रोसीजरल की बात करता हूँ तो प्रोसीजरल में हमारे पास CRPC है 1973 की, और साथ ही में है इंडियन एविडेंस एक्ट 1861. ठीक है, तो हमारे पास ये सारे एक्ट और कानून है. एक बार इंडियन एविडेंस एक्ट का हमको ईयर चेक करना होगा, बट 1872, 1881 इनमें से कोई एक साल होगा, 1872 है मोस्ट लाइकली. ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये कानून बनता है. हाय स्वराज, हाय रोहित, ओके. अब जब मैं क्रिमिनल लॉ की बात करता हूँ, जो हमसे पूछा जाता है क्लैट में या अदर लॉ एंट्रेंस टेस्ट में, MHCET में स्पेसिफिकली, तो हम देखते हैं कि जो प्राइमरी लॉ हमसे पूछा जाता है या एक्सपेक्टेड होता है वो होता है IPC, इंडियन पीनल कोड. तो अगर आपको इंडियन पीनल कोड आता है या इंडियन पीनल कोड के मेन प्रोविजन आते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर इंडियन पीनल कोड में आपकी बर्बादी है तो फिर यहाँ पे आपको थोड़ी सी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है. ठीक है, तो बेसिकली जो हमारा टारगेट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी द इंडियन पीनल कोड. ठीक है, अब चलो वापस से चलते हैं हम और समझते हैं कि क्या क्या हमको पढ़ना है. तो सबसे पहला सवाल जो हमसे पूछा जाता है कि व्हाट एग्जैक्टली इज अ क्राइम. क्राइम क्या है? कैन एनीवन टेल मी कि व्हाट इज क्राइम? क्या आप लोग एक बार जल्दी से मुझे बता सकते हो कि क्राइम क्या है? मेंस रिया पर एक प्लस एक्शन, ओके. ठीक है, यहाँ पे किसी ने बताया कि मेंस रिया पर प्लस एक्शन हो गया क्राइम. चलो क्राइम को समझने के लिए क्या करते हैं, एक चीज ड्रॉ करते हैं.
देखो, क्राइम इज एनीथिंग दैट इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ। हर वो चीज जो कि लॉ हमें अलाउ नहीं करता है वो क्या हो जाती है, वो क्राइम हो जाती है। ठीक है, अब इट्स बेसिकली ये क्या हो गया, एक तरह का लीगल रॉन्ग हो गया। लेकिन यार आप बोलोगे कि लीगल रॉन्ग तो टॉट भी होता है, टॉट को भी प्रोहिबिट बाय लॉ होता है, लेकिन दिस लीगल रॉ इज फॉलोड बाय अ पीनल पनिशमेंट। यहाँ पे क्या होता है, पीनल पनिशमेंट होती है। सो दैट इज द बिगेस्ट डिफरेंस कि दिस लीगल रॉन्ग इज फॉलोड बाय पीनल पनिशमेंट। जो हम टॉट में देखते हैं, टॉट में क्या होता है कि क्रिमिनल पनिशमेंट नहीं होती है, या फिर लेट से जेल में नहीं भेजा जाता है आपको। आपको क्या करा जाता है टॉट में, टॉट में यू आर जस्ट आस्क कि चलो यार तुमने टॉट कर दिया, चलो यहाँ पे कॉम्पनसेशन दे दो। दैट्स वॉट यू आर आस्क टू डू, राइट। आपको यहाँ पे क्या करा जाता है, आपको बोला जाता है ना कि कॉम्पनसेशन दे दो। लेकिन क्राइम में यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। क्राइम में क्या हो जाएगा भैया, आपको यहाँ पर बोल देंगे कि नहीं यार आपने क्राइम करा है, अब आप क्या करो, जाओ आप जेल चले जाओ। ठीक है, तो दैट इज समथिंग दैट वी विल हैव टू डू। तो क्राइम की जो बेसिक डेफिनेशन होती है, एनी ऑफेंस दैट इज पनिशेबल बाय लॉ, एक ऐसा ऑफेंस जो कि पनिशेबल बाय लॉ है। ऑल राइट, अब आगे बढ़ेंगे। तो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ क्राइम। देखो, जब मैं क्रिमिनल लॉ के कैरेक्टरिस्टिक की बात करता हूँ ना, तो मुझे चार कैरेक्टरिस्टिक दिखती है जो कि फुलफिल होनी चाहिए। व्हाट आर द फोर कैरेक्टरिस्टिक्स, इनको मैं ए, बी, सी और डी के नाम से करता हूँ। ठीक है, इट शुड रिजल्ट इन हार्म, किसी तरह का हार्म होना चाहिए। बी क्या हो गया, इट शुड बी रिजल्ट ऑफ ह्यूमन कॉन्डक्ट। है ना, किसी इंसान की गलती होनी चाहिए। ठीक है, लॉ वॉन्ट्स टू प्रिवेंट इट। एंड लास्टली, इट शुड ऑल्सो हैव अ प्रिस्क्राइब्ड पनिशमेंट। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, इट शुड एक तो यहां पर हार्म होना चाहिए, ह्यूमन कॉन्डक्ट होना चाहिए, लॉ वॉन्ट्स टू प्रिवेंट इट, एंड साथ ही में देयर हैज टू बी अ पनिशमेंट। अगर ये तीनों चीजें होंगी, ये चारों चीजें होंगी, तो ये हमारा क्राइम होगा। अब देखो, इसमें हम एक सिंपल सी एग्जाम्पल लेते हैं, मर्डर के एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, मर्डर के एग्जाम्पल में क्या होता है, डज मर्डर रिजल्ट इन अ हार्म। क्या मर्डर अगर आप किसी का करते हो तो उसे किसी किसी का नुकसान हुआ है क्या? डू यू थिंक किसी का नुकसान होता है मर्डर करने से? अच्छा देखो, स्क्रीन ब्लर हो रही है ना, तो प्लीज इंश्योर कि आपका ये जो पिक्चर क्वालिटी है वो 1080p या 720p है। एक बार इतना कर लो तो आपको दिख जाएगा। और मैंने अभी क्या कर रखा है, मैंने थोड़ा सा जूम इन कर रखा है, उसको मैं जूम आउट कर दूंगा वापस से। सॉरी, जूम आउट कर रखा है, उसको जूम इन कर दूंगा। ठीक है, मेरा सवाल आप लोगों से ये था कि अगर आप किसी का मर्डर करते हो तो डज इट रिजल्ट इन अ हार्म एंड विल हैव टू इंटरेक्ट। ठीक है, कोई जवाब ही नहीं दे रहा। क्या लगता क्या है आप लोगों को कि क्या यहाँ पर हार्म होता है अगर किसी का मर्डर होता है तो, या नहीं होता है? होता है ना, यस निष्ठा, यस अनुष्का। सो वेन एवर समवन कमिट्स अ मर्डर, उससे क्या होता है, उससे देर इज अ हार्म। यहाँ पे क्या हुआ, किसी ना किसी को डेफिनेटली हार्म होता है, तभी तो वो मर्डर कहलाता है ना दोस्तों। इट कैन बी मेंटल और फिजिकल हार्म, बट हार्म तो होता ही है, नुकसान तो होता ही है किसी का। ऐसा तो नहीं होता कि यार नहीं होता है, होता ही है डेफिनेटली। इट रिजल्ट इन हार्म। चलो, इतना आपको पता चल गया। अब इज इट अ रिजल्ट ऑफ ह्यूमन कॉन्डक्ट, क्या मर्डर इसलिए हुआ क्योंकि ह्यूमन कॉन्डक्ट था? डेफिनेटली, है ना, किसी ह्यूमन ने कॉन्डक्ट करा होगा तो ही तो मर्डर हुआ, वरना यहाँ पर मर्डर नहीं होता। फिर डज द लॉ वॉन्ट टू प्रिवेंट इट, तो येस द लॉ ऑल्सो वॉन्ट्स टू प्रिवेंट इट। अगर लॉ उसको प्रिवेंट नहीं करना चाहता तो फिर क्या होता, वो क्राइम थोड़ी ना कहलाता। मर्डर को हम प्रिवेंट करना चाहते हैं, एंड इट ऑल्सो हैज अ पनिशमेंट। और यहाँ पर क्या है हमारे पास, मर्डर की पनिशमेंट भी है। चलो, अब आप मुझे एक ऐसा एग्जाम्पल दो,
जो क्राइम है, और वो इन चारों एलिमेंट को पूरा करता हो। क्या कोई ऐसा एग्जांपल दे सकते हो आप लोग? चलो ठीक है, यस आज की क्लास जो मिली है मुझे वो थोड़ा कम इंटरेक्ट करने पे विश्वास रखती है। कोई बात नहीं, हम फिर भी चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। यस अब हमारा अगला सवाल जो आता है वो होता है, व्हाट आर द डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। एक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के ऑब्जेक्ट्स क्या क्या होते हैं? तो देखो, अगेन देर आर मेनी ऑब्जेक्ट्स टू अ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। जैसे पहला ऑब्जेक्ट जो होता है हमारा वो होता है रेट्रीब्यूशन। ठीक है, रेट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है? रेट्रीब्यूशन का सिंपल सा मतलब होता है कि आपको रिवेंज लेना है किसी से, है ना? आपको क्या करना है, आपको रिवेंज लेना है किसी से, तो दैट इज रेट्रीब्यूशन। उसके बाद होता है डेटरेंस। डेटरेंस का मतलब क्या हो जाता है? आपको किसी को रोकना है कि यार ये क्राइम मत करो, तो यू वॉन्ट टू इंश्योर कि जब लोगों को पता हो कि पनिशमेंट मिलेगी तो वो डेटर हो जाएंगे, दे विल नॉट कमिट द क्राइम। देन वी ऑल्सो हैव इनकेपेसिटेशन। जब आपने किसी इंसान को जेल में डाल दिया तो जेल में डालने के बाद क्या होता है? दैट पर्सन हैज बिकम इनकैपेसिटेटेड, है ना? इनकैपेसिटेटेड का मतलब क्या हो गया? कि अब वो जेल में चला गया, अब वो जेल में चला गया तो सोसाइटी में और कोई कल से क्राइम नहीं कर सकता है। उसके बाद यहाँ पर हमारा एक और पर्पज होता है, रिहेबिलिटेशन। रिहेबिलिटेशन का मतलब होता है कि कल से आप किसी इंसान को जेल में डालोगे तो उसको सुधार गृह में डाल रहे हैं, है ना? तो उसको समझ में आएगा कि यार ठीक है, ये जो उसने काम करा वो गलत था, और वो रिहेबिलिटेट हो जाएगा। एंड लास्टली इट इज ऑल्सो अबाउट रिस्टोरेशन, कि जो भी उसने प्रॉपर्टी गवाई है, मान लो किसी और इंसान ने की प्रॉपर्टी चोरी हो गई है, तो उसको जो भी प्रॉपर्टी उसकी चोरी हुई थी वो रिस्टोर हो जाए, तो रिस्टोरेशन इज अनदर पार्ट। आई जो सर निष्ठा, हैव यू नॉट अंडरस्टूड द रेट्रीब्यूशन पार्ट? तो जब भी आप बोलो ना कि फर्स्ट समझ में नहीं आया, तो किस चीज का फर्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक का फर्स्ट या फिर ऑब्जेक्ट का फर्स्ट, तो वो थोड़ा सा मुझे बता देना ताकि क्लैरिटी रहे कि विच फर्स्ट आर यू एग्जैक्टली टॉकिंग अबाउट। ऑब्जेक्ट का फर्स्ट क्या होता है? देखो, रेट्रीब्यूशन, रेट्रीब्यूशन का मतलब होता है दैट द सोसाइटी वॉन्ट्स टू टेक रिवेंज। सोसाइटी को क्या लेना है यहाँ पे? रिवेंज लेना है, और ये रेट्रीब्यूशन होता है कि यार सोसाइटी को मजा नहीं आ रहा था, सोसाइटी ने बोला कि हमको तो यहाँ पे इस इंसान से रिवेंज लेना है, और क्योंकि सोसाइटी रिवेंज लेना चाहती थी तो उसने क्या करा? रेट्रीब्यूशन करा। दैट इज द मीनिंग ऑफ रेट्रीब्यूशन। ओके, अंडरस्टूड? देखो, जब भी आपके घर के पास किसी इंसान ने मर्डर कर दिया, तो आपकी सोसाइटी की इच्छा रहेगी ना कि यार इस इंसान ने मर्डर करा, इसके साथ कुछ बुरा हो। देयर इज अ जनरल सेंस ऑफ फेयरनेस अमंग अस ना। और जब वो इंसान जेल जाएगा तो हमको लगेगा कि हाँ यार इसने गलत करा तो इसके साथ भी गलत हुआ, मतलब फेयरनेस है सोसाइटी में, कि ऐसा नहीं होता कि जो इंसान ने गलत करा उसके साथ गलत नहीं हुआ। समझ में आया अब? इज इट मेकिंग सेंस? यस, पक्का? यस, ओके। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ अ क्राइम। तो देखो, जो स्टेजेस ऑफ अ क्राइम होती है वो हमारी अलग अलग तरह से होती है, विच इज नोन एज आईपैक। एक सेकंड देना मुझे, आई
इंश्योर, एक सेकेंड, एक मिनट रुक जाना दोस्तों, मैं एक और फाइल अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है? Yeah, just give me 2 minutes. So there's a bit of a lag that I'm facing. स्टार्ट हुई एडवोकेट,
ऑल राइट भाई, चलिए तो अगला जो चीज हमको समझनी है ना वो है स्टेजेस ऑफ अ क्राइम। व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ अ क्राइम? तो देखो स्टेजेस ऑफ क्राइम जो होती है वो चार तरह से हम डिवाइड करते हैं, इंटेंशन, प्रिपरेशन, अटेम्प्ट एंड कमीशन। इज द पेज क्लियरली विजिबल टू यू? क्या ये पेज आपको क्लियरली दिख रहा है दोस्तों? यस, ओके। तो स्टेजेस ऑफ अ क्राइम में हम देखते हैं कि चार तरह की स्टेज होती है। इसको कैसे समझेंगे कि मान लीजिए आपको मर्डर करना है। अभी रोहित हमारी क्लास में है ना, और एडवोकेट साहब भी हमारी क्लास में। तो मान लो यार रोहित को अब एडवोकेट हिमानी मान पे गुस्सा आ गया कि एडवोकेट हिमानी मान अभी से एडवोकेट बन गई, मुझे तो अभी इतने साल है। तो उसने सोचा कि मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एडवोकेट हिमानी मान का मर्डर कर देता हूँ। अब जब उसने ये सोचा ना कि मैं एडवोकेट हिमानी मान का मर्डर कर देता हूँ, तो अभी उसके मन में क्या है, उसको मारने का इंटेंशन है। ठीक है, अभी क्या हुआ, इंटेंशन हो गया, कोई बात नहीं। अरे किस बात का सॉरी केशव। अब जब इंटेंशन उसके मन में था तो यहाँ पर इट विल नॉट बी पनिशेबल, ये पनिशेबल नहीं होगा। क्यों पनिशेबल नहीं होगा? क्योंकि यार अभी किसी भी इंसान को अगर आपका मारने का इंटेंशन है तो ऐसे तो आप पनिश नहीं कर सकते ना किसी भी इंसान को छोटी छोटी बातों के। यू कैन नॉट मेक समवन पनिशेबल फॉर दिस सिंपल थिंग। तो यहाँ पर इंटेंशन विल नॉट बी पनिशेबल। अच्छा ठीक हो गया। फिर सेकंड आता है प्रिपरेशन। क्या आप प्रिपरेशन से किसी को पनिशेबल कर सकते हो? तो यहाँ पर प्रिपरेशन में भी इट इज नॉट गोइंग टू बी पनिशेबल। प्रिपरेशन कैसे करी उसने? उसने एडवोकेट हिमानी मान को मारने के लिए कुछ जहर लेकर के आया, कुछ भी चीज लेकर के खरीद के ले आया, तो इट विल नॉट बी अ पनिशेबल ऑफेंस। हाउएवर जैसे ही उसने अटेम्प्ट करने की कोशिश करी, उसको पॉइजन करने की कोशिश करी, भले वो पॉइजन सक्सेसफुल हुआ या नहीं हुआ, तो ही इज गोइंग टू बी मेड लायबल। तो यहाँ पर वो क्या हो जाएगा, पनिशेबल हो जाएगा। देखो जैसे ही आपने अटेम्प्ट करा ना, दो दो चीजें हो सकती है, या तो आपका अटेम्प्ट फेल हो सकता है जिसमें हम बोलेंगे कि तो सिर्फ अटेम्प्ट था, या आपका अटेम्प्ट सक्सेसफुल हो सकता है, आपने कमीशन कर दिया। इन दोनों केसेस में आपको पनिशमेंट मिलती है। आया समझ में? यस, ओके। अब देखो कुछ ऐसे क्राइम, हाँ बॉम्ब की प्रिपरेशन करना। देखो केशव, अब बॉम्ब की प्रिपरेशन करोगे ना तो बॉम्ब फोड़ने की पनिशमेंट नहीं मिलेगी आपको। लेकिन अगर मान लो कि कोई लॉ है जो ये बोलता है कि आरटीएक्स को हैंडल करना, आरटीएक्स को रखना, वो अपने आप में क्राइम, तो वो तो क्राइम हो जाएगा ना। तो यू मे बी पनिशेबल फॉर वन ऑफेंस एंड यू मे नॉट बी पनिशेबल फॉर अनदर ऑफेंस, दैट इज डेफिनेटली पॉसिबल। ये सारी चीजें तो पॉसिबल होती है। ठीक है, यस, आगे बढ़ेंगे। अब अगली चीज जो आती है हमारे सामने वो होता है कि क्या कहीं पर इंटेंशन क्राइम हो सकता है क्या? अभी तो हमने देखा ना कि इंटेंशन और प्रिपरेशन क्राइम नहीं है। तो इंटेंशन कुछ केसेस में क्राइम हो जाता है, जैसे कि कॉन्स्पिरेसी। कॉन्स्पिरेसी का मतलब क्या होता है? कॉन्स्पिरेसी का मतलब होता है जब दो लोग मिलकर के ये सोचते हैं कि हम क्राइम करेंगे। अब अगर दो लोगों ने मिलकर के ये सोचा है कि हम क्राइम करेंगे, तो इस तरह का कोई भी प्लान करना एक कॉन्स्पिरेसी में आता है। और हमारी इंडियन पिनल कोड क्या करती है, कॉन्स्पिरेसी को एक क्राइम बनाती है। ठीक है, तो कॉन्स्पिरेसी इन इंडिया इज अ क्राइम। तो अगर आपने किसी के साथ मिलकर के कोई भी प्लानिंग करी है तो वो क्या हो जाएगा, वो कॉन्स्पिरेसी में जाएगा, वो अपने आप में क्राइम हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो आप खुद से मन में सोच सकते हो कि मैं किसको मारूंगा उसको मारूंगा और ये क्राइम नहीं होगा, लेकिन आप किसी और इंसान के साथ मिलकर के अगर प्लान बना रहे हो तो फिर वो क्राइम हो जाएगा। तो कॉन्स्पिरेसी इज इंटेंशनल क्राइम, कि वहां पे सिर्फ इंटेंशन होने मात्र से आपके पास क्या हो जाता है, क्राइम हो जाता है। फिर देर आर सर्टेन केसेस जहाँ पे प्रिपरेशन भी क्राइम होता है ना। प्रिपरेशन इज अ क्राइम ऑफ इन द फॉलोइंग, जैसे कि कलेक्टिंग आर्म्स विद एन इंटेंशन ऑफ वेजिंग वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो अगर आप मान लो आर्म्स को इकट्ठा कर रहे हो, है ना, आपने क्या करा कि आपका पर्पस है कि हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ वॉर कर देंगे। ठीक है, अगर आपने ये बोल दिया कि हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ वॉर कर देंगे और उसके लिए आपने हथियार इकट्ठे करने लगे, तो अभी आपने गवर्नमेंट के खिलाफ ना तो वॉर करा है ना वॉर का अटेम्प्ट करा है, इवन देन यू कैन बी मेड लायबल, क्योंकि प्रिपरेशन इज ऑल्सो अ क्राइम इन सर्टेन केसेस। कुछ केसेस में क्या हो जाएगा, प्रिपरेशन भी क्राइम हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको लायबल ठहराया जा सकता है। ठीक है, ओके। कनिष्का का क्वेश्चन है, भैया अगर इंटेंशन ना हो पर क्राइम हो जाए और हम उसको गलत प्रूफ ना कर पाए तो
देखो, अगर गलत प्रूव नहीं कर पाओगे, ये सामने वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो आपका इंटेंशन भी प्रूव करे। सिर्फ एक्टस रियस कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं है। अभी हम आएंगे आगे चल करके तनिष्का इस क्वेश्चन पे कि यू शुड नॉट ओनली बी एबल टू प्रूव एक्टस रियस, आपको मेंस रिया भी प्रूव करना होगा। तो दैट इज ऑल्सो अनदर इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट। ठीक है, यस। सेक्शन 126 किस बारे में बात करता है? प्रिपेयरिंग टू कमिट डिप्रिडेशन ऑन टेरिटरीज ऑफ एनी पावर इन अलायंस और एट पीस विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मान लो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एक तो पहला क्वेश्चन क्या हो गया, पहला क्वेश्चन हो गया कि जैसे सेक्शन 122 में आप गवर्नमेंट के खिलाफ वॉर कर रहे हो, सेक्शन 126 में आप किसी ऐसे देश के खिलाफ वॉर कर रहे हो जिसके साथ हम ऑफिशियली वॉर पे नहीं है। तो अभी पाकिस्तान के खिलाफ आपने सोचा कि मैं पाकिस्तान में बम फोड़ दूंगा, इसके लिए आपको इंडिया में भी पनिशमेंट मिलेगी। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान से हम वॉर थोड़ी ना कर रहे हैं अभी, भले हमारा दुश्मन देश है लेकिन हमने ऑफिशियल एट अ स्टेज ऑफ वॉर घोषित नहीं करा है, एंड दैट इज गोइंग टू बी अ बिग प्रॉब्लम। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आता है सेक्शन 235, काउंटरफिटिंग ऑपरेशंस फॉर करेंसी। अगर आपने, मान लो आपने सोचा कि मैं जाली नोट बनाऊंगा, अभी प्राइम पे शाहिद कपूर की एक मूवी भी आ रही है फर्जी नाम से, है ना, लेकिन आपने बोला कि मैं फर्जी नोट बनाऊंगा, नकली नोट बनाऊंगा, और उसके लिए आपने नोट बनाने वाली मशीन ले आए। अभी तक आपने नोट नहीं बनाए, बस आप मशीन लेकर के आ गए हो, तो फिर क्या हो जाएगा? यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर काउंटरफिटिंग ऑफ करेंसी की प्रिपरेशन में, और यहाँ पर आपको प्रिपरेशन में भी ऑफेंस मान लिया जाएगा। साथ ही में प्रिपरेशन टू कमिट डकैती, दिस इज ऑल्सो एन ऑफेंस। तो अगर आपने मान लो कल से डकैती की प्रिपरेशन करी है ना, और डकैती की प्रिपरेशन करते हुए आप पकड़ा गए हो, या किसी ने को पता भी चल गया कि आपने डकैती की कोशिश कर रहे हो, तो यहाँ पर आपको क्रिमिनल लॉ में लायबल ठहराया जा सकता है। ठीक है, समझ में आ गया ये तीनों चारों चीजें? हैव यू बीन एबल टू अंडरस्टैंड गाइस? यस। अब निशिता का क्वेश्चन है, निशिता आपका क्वेश्चन यहाँ पे आया नहीं, तो अगर आपका, मैं जवाब नहीं दे रहा हूँ इसका मतलब मोस्ट लाइकली आपका क्वेश्चन नहीं दिख रहा मुझे, है ना, और ऐसे में क्या करो, वापस से एक बार क्वेश्चन भेज दो। ओके, यस। तो अभी तक हमने क्या क्या देखा है दोस्तों, टू रिकैप एक बार, कि चार स्टेजेस ऑफ क्राइम होती है आईपैक, जिसमें से ये दो स्टेज होती है जो पनिशेबल नहीं होती है, और ये दो स्टेज होती है जो पनिशेबल होती है, लेकिन इन दोनों के कुछ कुछ एक्सेप्शन होती है, जैसे जिसमें इंटेंशन भी क्रिमिनल होता है और जिसमें पनिशमेंट भी क्रिमिनल होता है। आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को क्लैरिटी मिल गई हो। अगर अभी क्लैरिटी नहीं मिली है तो प्लीज लेट मी नो, आराम से मुझे बता दो। प्रिपरेशन के लिए, उस क्राइम के लिए तो तभी होगा ना जब वो क्राइम करोगे। अब अगला सवाल आता है टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ आईपीसी, कि आखिर आईपीसी कहाँ कहाँ पे अप्लाई होगी, है ना। तो देखो सेक्शन 1 क्या बोलता है, आईपीसी इज एप्लीकेबल थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो सेक्शन 1 ये बोलता था कि आईपीसी जो है, इंडियन पिनल कोड है, भारत की हर टेरिटरी में एप्लीकेबल है। तो भारत में अगर आप कहीं पे भी जाते हो तो वहां पे आईपीसी एप्लीकेबल है। पहले ये बोला जाता था कि ये जम्मू कश्मीर में एप्लीकेबल नहीं होगी, क्योंकि वहां पे एक अलग लॉ चलता था जिसका नाम था रणवीर पिनल कोड। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर में वी यूज टू फॉलो अ डिफरेंट लॉ दैट वॉज नॉन ए रणवीर पिनल कोड, तो ये एक अलग लॉ चलता था। लेकिन जैसे ही आर्टिकल 370 को हमने रिवोक करा, अब जम्मू कश्मीर में भी आईपीसी लगती है, पहले नहीं लगती थी। ठीक है, तो आईपीसी कहाँ कहाँ पे लगेगी? इंडियन प्लेन में, शिप में, एम्बेसी में, सारी कंट्रीज में जहां जहां पे इंडियन टेरिटरी है वहां पे आईपीसी लग जाएगी, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाउएवर एट द सेम टाइम ये भी याद रखना कि आईपीसी पूरी इंडियन टेरिटरीज में तो लगेगी, लेकिन इसी के साथ एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट ये होता है आईपीसी का, कि मान लो कल से अगर आप एक इंडियन नागरिक हो और आप ऑस्ट्रेलिया चले गए, और आपने ऑस्ट्रेलिया में कोई ऐसा काम करा जो इंडिया में करना क्राइम था लेकिन ऑस्ट्रेलिया में अलाउड था, ऐसा कोई चीज हो सकती है कि जो इंडिया में क्राइम हो और ऑस्ट्रेलिया में अलाउड हो? बिल्कुल हो सकती है, जैसे गैम्बलिंग करना, है ना। अब गैम्बलिंग करना हो सकता है कि इंडिया में तो इलीगल है लेकिन ऑस्ट्रेलिया में लीगल थी, तो आपने ऑस्ट्रेलिया में बढ़िया से लीगल एक्टिविटी थी तो कर ली। अब यहाँ पर इवन देन यू आर गोइंग टू बी मेड लायबल, यहाँ पे आपको इंडिया में पनिशमेंट मिल सकती है। तो आईपीसी इज एप्लीकेबल थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, अगर इंडिया की टेरिटरी में इंडियन कोई आ जाता है या फिर कोई और इंसान आ जाता है, फॉरेनर आ जाता है, तो उस पर एप्लीकेबल होगी। साथ ही में कोई इंडियन आदमी अगर बाहर जाता है तो उस पर भी क्या होगा, आईपीसी एप्लीकेबल होगी। ओके, टेरिस अटैक करने की प्रिपरेशन करने पर भी क्राइम है क्या? हाँ जी निष्ठा, बिल्कुल है, क्योंकि इट विल कम अंडर द वेजिंग वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, यस, ऑल राइट, है ना। और देखो टेरर अटैक करने के लिए एक इंसान तो प्लान नहीं करेगा, मल्टीपल लोग प्लान करेंगे,
और जैसे आप मल्टीपल लोग प्लान करोगे, एक से ज्यादा लोग प्लान करेंगे, तो वो कॉन्स्पिरेसी में आ जाएगा ना, कॉन्स्पिरेसी में, तो उससे भी हमको आंसर मिल जाता है। यस, तो इज द टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ आईपीसी क्लियर टू ऑल ऑफ यू गाइस? क्या ये क्लियर हो गया आपको, या किसी को कोई डाउट है? ऑल राइट, फिर आगे बढ़ते हैं। अब अगला सवाल आता है कि क्या क्राइम इवॉल्व हो सकता है? क्राइम इवॉल्व होने का मतलब होता है कि क्या कुछ ऐसी चीजें हैं जो आज क्राइम है लेकिन पहले क्राइम नहीं थी, और क्या कुछ ऐसी चीजें हैं जो पहले क्राइम थी लेकिन अब क्राइम नहीं है। तो बिल्कुल ऐसा बहुत सारी चीजें होती है। जैसे कि हम देखते हैं सेक्शन 377 ऑफ द आईपीसी, जिसने क्या बोला था, है ना? ओके, हाँ, तो निष्ठा मैं सबका एग्जाम्पल ही दे रहा हूँ ना, जिस चीज का आपको लग रहा है। अभी मैंने गैम्बलिंग वाला एग्जाम्पल दिया, किस चीज का एग्जाम्पल आपको नहीं मिला मुझे ये बताओ। चलो, आपको लगे ना कि इसका मेरे को एक और एग्जांपल चाहिए तो आप बता देना मेरे को, मैं उसका दे दूंगा आपको, ठीक है? यस, सवाल ये होता है कि क्या क्राइम इवॉल्व हो सकता है। अब इसमें हम देखते हैं सेक्शन 377 ऑफ द आईपीसी, जिसमें पहले क्या हुआ था। ओके, तुम सबके नाम का, ठीक है, देते हैं अभी। अभी थोड़ा सा हम थियोरिटिकल बात ज्यादा कर रहे हैं ना, हम स्पेसिफिक क्राइम की बात करेंगे तब होगा, निश्चा, डोंट वरी, है ना? यस, तो हम बात कर रहे थे सेक्शन 377 ऑफ द आईपीसी की। इसने क्या बोला था कि अगर कोई दो लोग होमोसेक्सुअलिटी करते हैं, होमोसेक्सुअल सेक्स करते हैं, तो दे आर नॉट लायबल, सॉरी, दे आर लायबल। लेकिन अब क्या करा हमने, अब इसको लायबिलिटी से हटा दिया ना, अब होमोसेक्सुअलिटी इज लीगल इन इंडिया, राइट? तो होमोसेक्सुअलिटी को क्या कर दिया हमने, लीगल कर दिया इंडिया में। तो ये पहले एक ऑफेंस था लेकिन अब ऑफेंस नहीं है, तो दैट इज वन चेंज। तो यहाँ पे क्या हो गया कि क्राइम डेफिनेटली इवॉल्व हो गया। फिर एक होता है पॉलीगेमी। पॉलीगेमी एक ऐसी चीज थी कि जो पहले ऑफेंस नहीं था। पहले अगर निष्ठा को शादी करनी है तो निष्ठा कितनी शादी कर सकती है ना, तो निशा से भी शादी कर सकती है, निष्कांत से भी शादी कर सकती है, सबसे कर सकती थी। लेकिन अब वो एक ऑफेंस हो गया है ना, एटलीस्ट इन मोस्ट ऑफ द पर्सन लॉ, मुस्लिम पर्सन लॉ को अगर हम छोड़ दें तो बाकी सारी जगह जो है पॉलीगेमी अलाउड नहीं है। तो एक ऐसी चीज जो पहले अलाउड नहीं थी, अब वो क्या हो गई है, अलाउड हो गई है। फिर गैम्बलिंग, गैम्बलिंग आज इंडिया में अलाउड नहीं है, बट अ लॉट ऑफ पीपल टॉक कि गैम्बलिंग लीगल हो जाना चाहिए, और बहुत सारे लोगों का ये मानना क्या है कि आगे चल करके भारत में सूनर और लेटर गैम्बलिंग इज गोइंग टू बी मेड लीगल, हम गैम्बलिंग को क्या कर देंगे, लीगल कर देंगे, ये लोगों का मानना है। अब अगर लोगों का ये मानना है कि गैम्बलिंग लीगल हो जाएगी, तो अगेन यहाँ पर इवोल्यूशन ऑफ क्राइम हमको देखने को मिला ना, कि एक चीज जो ऑफेंस थी इंडिया में, अब वो पहले अब ऑफेंस नहीं रही है, ठीक है? लेकिन साथ ही में याद रखना कि नॉट एवरीथिंग दैट इज रॉन्ग इज पनिशमेंट, है ना? कई सारी चीजें क्या होती है, मोरल ऑफेंसेस में आती है। मोरल ऑफेंसेस क्या होते हैं? तो मोरल ऑफेंसेस में ये देखो यार, लाइंग वगैरह। अब ये जो हम बोलते हैं कि यार आप झूठ बोलते हो, अगर तो झूठ बोलना पनिशेबल थोड़ी है। आपको कैसा ऐसा लगता है कि झूठ बोलना पनिशेबल है? तो झूठ बोलना तो पनिशेबल नहीं है, है ना? तो इट्स नॉट अ क्राइम। क्राइम क्या होता है, क्राइम का मतलब वही होता है जो पनिशेबल हो। अगर कोई चीज पनिशेबल नहीं है तो वो क्राइम नहीं कहलाएगी। गैम्बलिंग क्या होता है निष्ठा, गैम्बलिंग बेसिकली होता है जुआ लगाना, ठीक है, सट्टा, ओके, बेटिंग करना। यस, यस। नाउ सेक्शन फोर सिविल रॉन्ग, टॉर्ट, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें कॉम्पनसेशन मिलती है, पनिशमेंट नहीं मिलती। तो एक और सवाल ये आता है कि यार सिविल रॉन्ग और क्रिमिनल रॉन्ग में अंतर क्या है? तो देखो, सिविल रॉन्ग जो होते हैं ना, उसमें आपको पनिशमेंट नहीं मिलती है। जैसे कि मैंने टॉर्ट के बारे में बात करी है, कॉन्ट्रैक्ट लॉ के बारे में बात करी, इन दोनों पे हमारी मैराथन हो चुकी है। और यहाँ पे हमने क्या देखा था कि देर इज नो प्रोविजन ऑफ पनिशमेंट, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कॉम्पनसेशन मिलती है। लेकिन आईपीसी का सेक्शन 40 क्लियरली डिफाइन करता है ऑफेंस इज एनीथिंग प्रोहिबिटेड बाय आईपीसी, और जनरली सारे ऑफेंसेस के लिए क्या होता है,
आपको यहाँ पर सजा मिलती है, तो यू विल बी लाइबल फॉर पनिशमेंट। अगला सवाल आता है कि व्हाट हैपेंस व्हेन अ क्राइम इज कमिटेड बाय एनिमल। कई बार ये भी तो होता है ना कि एक एनिमल क्राइम कर दे। तो देखो, अगर एक एनिमल क्राइम करता है तो द ओनर विल हैव टॉर्शियस लाइबिलिटी अनलेस इंस्ट्रक्टेड बाय द ओनर। तो एक ओनर के पास क्या हो जाएगा, टॉर्शियस लाइबिलिटी हो जाएगी अगर उसके एनिमल ने क्राइम कमिट करा। लेकिन हाँ, अगर एनिमल से आपने क्राइम करवाया है, ठीक है, कि मान लो एनिमल को आपने किसी के ऊपर छोड़ दिया है, किसी को कटवा दिया है, इन दैट केस क्या होगा, तब आप क्या करोगे, तब ओनर यहाँ पे लायबल हो जाएगा। तो अगर आपने, आपकी नेग्लिजेंस के कारण क्राइम हुआ है तो फिर तो टॉर्ट हो जाएगा, लेकिन आपने खुद ने क्राइम करवाया है, इंटेंशनली करवाया है, तो फिर क्या हो जाएगा, तो फिर यहाँ पर यहाँ पर आपको क्रिमिनल लाइबिलिटी बन जाएगी। क्लियर हुआ ये वाला? इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस, नाउ कम्स द टॉपिक, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ क्राइम, कि क्राइम के अलग अलग एलिमेंट्स क्या होते हैं। देखो, द डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ क्राइम आर मेंस रिया एंड एक्टस रिया। ठीक है, मेंस रिया क्या होता है, मेंस रिया को हम इस मैक्सिम से समझते हैं, एक्टस नॉन फेसेट रियम निसी मेंस सेट रिया, कि एनीथिंग दैट इज एक ऐसी चीज जो, जैसे अपने डॉगी को बोल दें कि उसको तो हम लायबल होंगे ना ब्रो, बिल्कुल। अगर आपने डॉगी को बोला छू और डॉगी आपका जाके किसी को काट खाया, तो फिर आप लायबल हो, क्योंकि आप ही कर रहे हो यार, ऐसे छू करके किसी को कटवा थोड़ी सकते हो, ये तो गलत बात हो जाएगी ना, ये मान, इट इज नॉट फेयर। आप ऐसा कैसे कर सकते हो? ठीक है, यस, ओके। नाउ व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ क्राइम, एलिमेंट्स ऑफ क्राइम में हम देखते हैं मेंस रिया होता है और एक्टस रियस होता है। मेंस रिया का बेसिकली मतलब होता है कि देयर हैज टू बी अ गिल्टी इंटेंशन, है ना, कि आपका इंटेंशन जो होना चाहिए वो गिल्टी होना चाहिए उसी सर। बट अगर चोर है और अगर उसको डॉग काट दे तब, तो देखो निष्ठा, यहाँ पर एक चीज देखना कि चोर क्या है, ट्रेसपासर, और ट्रेसपासर को अगर आपके घर पे किसी चीज से डेंजर है तो उसकी लाइबिलिटी आपकी नहीं बनेगी। हावेवर, आप अपने आप को बचाने के लिए भी कह सकते हो अपने कुत्ते को कि जाके चोर को काट ले, लेकिन एक्सेसिव नहीं होना चाहिए, है ना। आपके घर में शेर पाल रखा है और आपने शेर से बोला कि चोर को जाके खा ले और चेयर कप करके खा गया, तो दैट इज नॉट अलाउड। आया समझ में? यस, ओके, आगे बढ़ेंगे। अब देर आर सर्टेन एक्सेप्शन टू मेंस रिया, है ना, कुछ एक्सेप्शन होती है जो मेंस रिया के लिए होती है, जैसे कि स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी ऑफेंसेस। तो कुछ कुछ स्पेशल स्टेट्यूट्स होते हैं जो कुछ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी क्रिएट कर देते हैं, और जब किसी स्टेट्यूट ने स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी क्रिएट कर दी है, तब आपके पास अगर मेंस रिया नहीं भी है तो भी आपको लायबल बना देंगे। जैसे टॉर्ट्स में भी यही होता है ना, हम क्या देखते हैं कि उसकी गलती नहीं थी फिर भी उसको लायबल बना दिया, क्यों, क्योंकि आपने कोई डेंजरस काम करा है। तो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी ऑफेंसेस में भी सेम ही होता है। अब आता है एक्टस रियस। एक्टस रियस का मतलब होता है या तो आप कोई काम कर रहे हो जो आपको नहीं करना चाहिए था, या आप कोई काम नहीं कर रहे हो जो आपको करना चाहिए था। तो बेसिकली कमीशन एंड ओमिशन, डूइंग समथिंग दैट इज प्रोहिबिटेड और नॉट डूइंग समथिंग दैट इज सपोज टू बी डन। तो
तो इसको हम एक्टस रियस बोलते हैं, ठीक है। और ये एक एक्टस रियस बेसिकली कैसा ह्यूमन कॉन्डक्ट होता है जिसको लॉ प्रिवेंट करने का सीख करता है। सो इफ द लॉ सीक्स टू प्रिवेंट सर्टेन थिंग इट इज नोन एज एक्टस रियस। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम एक्टस रियस बोलते हैं, ठीक है। यस, स्ट्रिक्ट लायबल समझ नहीं आया। बेसिकली ह्यूमानी स्ट्रिक्ट लायबिलिटी होती है कोई ऐसा क्राइम जिसके लिए कोर्ट ने ये बोल रखा है कि अगर आपने आपसे ये क्राइम हो जाता है फिर चाहे आपका इंटेंशन हो या ना हो तो हम उसमें कोई मतलब नहीं रखेंगे। जैसे कि मान लो आप अपने घर में बॉम्ब ले आए, अब आप बॉम्ब लेकर के आ गए, उसको फोड़ने का आपका मन नहीं था लेकिन गलती से फूट गया हो आपके घर में, अब आप क्या बोलोगे कि यार मुझे लायबल मत ठहराओ इतने लोगों की मौत के लिए, क्योंकि मेरी तो मेन सिरिया थोड़ी था, मैंने इंटेंशनली थोड़ी फोड़ा है। तो कोर्ट यहाँ पे क्या बोलेगा कि नहीं, इससे कोई सेंस नहीं बनता कि आपने इंटेंशनली फोड़ा फोड़ा कि नहीं, इट वॉज अ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी ऑफेंस, है ना। ये क्या था, ये एक स्ट्रिक्ट लायबिलिटी ऑफेंस था, ठीक है। अब मेंस रिया को हम क्या बोलते हैं, इविल इंटेंट और गिल्टी स्टेट ऑफ माइंड, है ना, गिल्टी स्टेट ऑफ माइंड होना चाहिए। तो हम सिर्फ ये देखते हैं, है ना, कि क्या जो एक्शन हुआ है वो वॉलेंटरी था, जिस भी चीज से आपने क्राइम करा है क्या वो वॉलेंटरी था, है ना। हम ये नहीं देखते कि आप चाहते थे कि नहीं मर्डर करना, मतलब आपने मान लो झाड़ियों में बंदूक मारा और वहां पे किसी की मौत हो गई तो आप मर्डर के लिए लायबल हो सकते हैं, बिकॉज इट वॉज अ वॉलेंटरी एक्सेंट विच वॉज वेरी डेंजरस इन नेचर। लेकिन यार मान लो कि ये तो नहीं बोल सकते ना कि हमारा तो इंटेंशन नहीं था उस इंसान को मारने का, यू कांट से दिस, यू विल नॉट बी एबल टू से दिस। और सेकंड, ये हमारा काम था कि हर जगह की वायरिंग देखे बट हमने नहीं देखी तो उसे आग लग गई, हाँ अगर, तो ये स्ट्रिक्ट लायबिलिटी हो गई ना, आपकी लायबिलिटी निष्ठा, यू आर सपोज टू डू समथिंग, आपने जानबूझ के नहीं करा, तो बोल दो आपके पास मेंस रिया नहीं था बट यू हैव बीन नेग्लिजेंट, आपने नेग्लिजेंस तो दिखाया है ना अपना। यस, यप, ओके, चलिए। नाउ अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटेंशन एंड मोटिव। इंटेंशन और मोटिव में डिफरेंस क्या होता है, देखो मोटिव का मतलब होता है कि आपने जो काम किया है वो आप करना चाहते थे कि नहीं, है ना। तो जनरली हम टॉर्ट में क्या कर क्राइम में क्या करते हैं, मोटिव का अकाउंट में नहीं लेते, ठीक है, कि यार आप मतलब किसी का एक्सीडेंट करना चाहते थे कि नहीं करते थे, ठीक है, इंटेंशन को ही हम कंसिडर करते हैं। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, एक हंग्री इंसान था, उसको क्या करना था, अपना स्टमक फिल करना था और उसने फूड को स्टील कर लिया। अब यहाँ पे उसका मोटिव क्या है, उसका मोटिव चोरी करना थोड़ी है, उसका मोटिव है अपनी जरूरत पूरा करना। तब आप बोलोगे मोरालिटी के हिसाब से इसको पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन इसको भी पनिशमेंट मिलती है। क्यों पनिशमेंट मिलती है, क्योंकि उसका इंटेंशन था, हियर देयर वॉज इंटेंशन ऑन हिज पार्ट। आया समझ में, ये हंग्री इंसान के एग्जाम्पल से। ठीक है, अब एक और क्या एग्जाम्पल हो गया कि मान लो रास्ते में हमको एक टेररिस्ट मिला, है ना, और आपको वो टेररिस्ट दिख रहा है कि यार इसके हाथ में बंदूक बंदूक ही, ये हो सकता है दुनिया में कोहराम मचा दे, तो आपने बंदूक ली अपनी और उस टेररिस्ट को वहीं पे मार दिया। इससे क्या हुआ, जो लाखों लोगों की जान जाने वाली थी इस टेररिस्ट के एक्शन के कारण वो नहीं गई, लेकिन इवन देन यू विल बी मेड लायबल, क्योंकि भले आपका मोटिव तो गुड ऑफ द सोसाइटी था, है ना, कि आप दुनिया के लिए अच्छा करना चाहते थे, लेकिन इंटेंशन हम देखेंगे कि आपने क्या करा, इंटेंशनली आपने किसी को किल करा है, एंड दैट इज अ बिग प्रॉब्लम, ठीक है, और वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर हो जाती। क्लियर हुआ, ओके, यस, हमने इंटेंशन ऑफ क्राइम तो कर लिया है, टॉट, यस,
हम डिफेंसेस अंडर द इंडियन क्रिमिनल एक्ट पे, इंडियन क्रिमिनल लॉ पे जाएंगे, तो वापस इधर चलते हैं। देखो हमारे यहाँ टोटल ऑफ 7 डिफेंसेस आर देयर, है ना। हम इन डिफेंसेस के बारे में बात करेंगे अभी आफ्टर अ 4 मिनट ब्रेक, है ना। तो 1:50 पे हम रिज्यूम करेंगे दोस्तों, और उसके बाद हम डिफेंसेस के बारे में बात करना शुरू करेंगे। ओके ओके। हिमानी इट्स टू आर 30 मिनट क्लास, है ना। तो 2 घंटे 30 मिनट की ये क्लास रहेगी। इट्स गोइंग टू बी अ लॉन्ग क्लास, ठीक है। यस, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डिफरेंस डिफेंसेस। आगे क्या क्या डिफेंसेस होते हैं देखो। देर इज मिस्टेक ऑफ लॉ एंड फैक्ट्स, एक्सीडेंट, नेसेसिटी, इन्फेंसी, इनसैनिटी, इंटॉक्सिकेशन और प्राइवेट डिफेंस। एक एक करके इनके मतलब को हम जान लेते हैं। मिस्टेक ऑफ लॉ एंड फैक्ट्स का मतलब क्या होता है?
मिस्टेक ऑफ लॉ का मतलब होता है कि आपको किसी तरह का लॉ नहीं पता था। जनरली ये डिफेंस नहीं दिया जाता है, कुछ केसेस होते हैं जिसमें ये डिफेंस एक्सेप्टेबल होता है। फिर आता है मिस्टेक ऑफ फैक्ट। मिस्टेक ऑफ फैक्ट में सेक्शन 76 और सेक्शन 79 ऑफ द आईपीसी होते हैं, हम इसको देखेंगे। फिर होता है एक्सीडेंट कि अगर आपके गलती से किसी से एक्सीडेंट हो गया तो क्या होगा। फिर आता है नेसेसिटी, इन्फेंसी, इंसैनिटी, इंटॉक्सिकेशन। नेसेसिटी का मतलब होता है कि आपको कोई ग्रेटर हार्म प्रिवेंट करने के लिए कोई क्राइम करना पड़ा। इन्फेंसी, अगर किसी बच्चे ने कोई क्राइम कर दिया। इनसैनिटी, अगर आपको या आपका उस समय अनसाउंडनेस ऑफ माइंड के कारण आपको कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ योर एक्शन समझ में नहीं आ रहे तो इनसैनिटी। इंटॉक्सिकेशन, जब आप शराब के नशे में हो एंड दैट इज एडमिनिस्टर्ड टू यू विदाउट योर विल। और फिर लास्ट में आता है प्राइवेट डिफेंस, जिसको भी हम पढ़ेंगे कि आपने अपने आप को बचाने के लिए कोई क्राइम कर दिया है ना। संजय, लीगल की प्रैक्टिस के लिए आप आईपी भारद्वाज ले सकते हैं। तो देखते हैं, यहाँ पर हमारा मिस्टेक ऑफ फैक्ट का ये सेक्शन आता है। इग्नोरेंस या फैक्टी एग्जिक्यूआर, इग्नोरेंस या जूरिस नॉन एक्सिस्ट, मतलब कि इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट इज एक्सक्यूजेबल, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एक्सक्यूजेबल। ठीक है, तो ये हमको यहाँ पर बोला जा रहा है। क्या मतलब होता है इसका, इसको देखते हैं। एक्ट डन बाय अ पर्सन बाउंड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ बाउंड बाय लॉ। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ पर्सन हु इज और हु बाय रीजन ऑफ अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड नॉट बाय रीजन ऑफ अ मिस्टेक ऑफ लॉ इन गुड फेथ बिलीव्स हिमसेल्फ टू बी बाउंड बाय लॉ टू डू इट। अगर एक इंसान को ये गलती हो जाए और उसको लगे कि यार उसकी कोई जिम्मेदारी बनती है अंडर द लॉ कि उसको ऐसा कुछ काम करना चाहिए जो कि सच नहीं थी, तो फिर क्या हो जाएगा, ही कैन टेक द मिस्टेक ऑफ फैक्ट। जैसे कि एक सोल्जर है, उसने क्या करा, एक सुपीरियर ऑफिसर ने उसको बोला कि यहाँ पे फायर करो, उसने फायर कर दिया। अब यहाँ पर क्या हुआ कि भले उसको फायर नहीं करना चाहिए था लेकिन सुपीरियर ने ऑर्डर दिया था, तो उसको क्या लगा कि यार यहाँ पे मेरी लीगल ऑब्लिगेशन बनती है, और क्योंकि उसको ऐसा लगा था कि उसकी लीगल ऑब्लिगेशन बनती है तो हियर ही इज गोइंग टू बी मेड लायबल। बी क्या हो गया, ए एन ऑफिसर ऑफ कोर्ट ऑफ जस्टिस बींग ऑर्डर्ड बाय दैट कोर्ट टू अरेस्ट वाई एंड आफ्टर ड्यू इंक्वायरी बिलीविंग जेड टू बी वाई अरेस्ट जेड ए हैज कमिटेड नो ऑफेंस। अब एक इंसान को हमने अरेस्ट करने के लिए भेजा, और अरेस्ट करने के लिए किसको भेजा कि यार जाओ जाके वाई को अरेस्ट कर लो। उसने वहां पे गया, इंक्वायरी वगैरह करी और लोगों ने उसको बेवकूफ बना दिया कि यार ये जेड है ये वाई है, और वो जेड को अरेस्ट कर लाया। अब जेड बोल रहा है कि तुमने मुझे क्यों अरेस्ट कर लिया, तो यहाँ पर ही हैज कमिटेड नो ऑफेंस क्योंकि उसको गलतफहमी हो गई थी। ठीक है, आप चाहो तो ये इलस्ट्रेशन को नोट डाउन कर लो प्लीज, दिस इलस्ट्रेशन आर इम्पॉर्टेंट फॉर यू। इज एनी वन प्लानिंग टू नोट देम डाउन, क्या कोई नोट डाउन करने का प्लान कर रहा है। एसएस पे लिया, ठीक है। अगर कोई नोट डाउन कर रहा है गाइस, तो आई गिव यू 1 मिनट टू नोट इट डाउन, है ना, फटाफट से नोट डाउन कर लो। ओके, चलिए नेक्स्ट वाले भी चलते हैं। नेक्स्ट आता है सेक्शन 79, एक्ट डन बाय अ पर्सन जस्टिफाइड
और बाय मिस्टेक ऑफ लॉ ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ जस्टिफाइड बाय लॉ। कई बार क्या होता है कि लोगों को पहले वाले सेक्शन में तो क्या हो रहा था, 76 में लोगों को लग रहा था कि उनको वो काम करना है बिकॉज दे आर बाउंड बाय लॉ। 79 में ऑन द अदर हैंड दे बिलीव दे आर जस्टिफाइड बाय लॉ कि उनको इस काम को करने की परमिशन। इसमें एक सिंपल सा हम एग्जाम्पल देखते हैं। प्लीज एक बार रीड द इलस्ट्रेशन, एक बार इस स्लाइड को पढ़ लो, लेट मी नो डन, देन आई विल एक्सप्लेन यू द इलस्ट्रेशन। फिर मैं आपको इलस्ट्रेशन को एक्सप्लेन करूंगा, तो फटाफट से पढ़ लो दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ है बेसिकली कि एक इंसान को जेड नाम का इंसान जो था वो भागता हुआ दिखा। तो हम इसमें रोहित और हिमानी का एग्जांपल लेते हैं। तो एक बार क्या हुआ था, हिमानी को रोहित भागता हुआ दिखा और उसको लग रहा है कि रोहित ने अभी अभी किसी का मर्डर किया है, निष्ठा का मर्डर कर दिया, कि निष्ठा बोल नहीं रही क्लास में, तो लग रहा है उनको मर्डर हो गया निष्ठा का। और हिमानी को ये लगा कि रोहित ने करा है, तो जाकर के उसने रोहित को पकड़ लिया है ना, और बोला कि अब मैं देखो पुलिस के हवाले कर दूंगी। बाद में पता चला कि रोहित ने इनफैक्ट या तो मर्डर करा था या नहीं करा था है ना, कि एक्चुअल में उसने क्या करा था, वो उसने अपने आप को बचाने के चक्कर में जो था निष्ठा का मर्डर करा था। यहाँ पर जो भी काम हिमानी ने करा है वो गलत है, लेकिन शी बिलीव कि शी जस्टिफाइड बाय लॉ, उसको लगा कि उसकी लीगल जस्टिफिकेशन है उसका जो काम कर रही है उसको करने में, एंड दैट इज कम्प्लीटली फाइन। तो यहाँ पर क्या हो गया, फिर ये कम्प्लीटली फाइन हो चुका है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं होगी। अब देखो कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे मिस्टेक ऑफ लॉ भी एक्सक्यूजेबल होती है व्हेन द लॉ इज नॉट पब्लिश। कई बार क्या होता है कि लॉ पास हो गया लेकिन अभी हमारे गेजेट ऑफ इंडिया में पब्लिश नहीं हुआ, तो उस इंटरिम पीरियड में अगर आप देखते हो तो योर मिस्टेक ऑफ लॉ कैन बी एक्सक्यूज है ना, कि ठीक है यार आपकी मिस्टेक ऑफ लॉ इतनी बड़ी नहीं मानी जाएगी और आपको उसको एक्सक्यूज कर दिया जाएगा। या फिर व्हेन यू रिलाइड अपॉन अ स्टैट्यूट दैट वॉज लेटर ओवरटर्न और हेल्ड टू बी अनकॉन्स्टिट्यूशन। कई बार ये भी हो सकता है कि आपने किसी ऐसे स्टैट्यूट के हिसाब से काम कर लिया जो बाद में अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हो गया था। तो कई बार हम बोलते हैं कि यार सिटीजन्स कई बार गलती कर सकते हैं कि उनको कोई लॉ पास किया था वो बाद में अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया लेकिन उनको पता नहीं चला। या फिर आपने किसी जुडिशियल डिसीजन पर रिलाई करा जिसको बाकी आगे चल करके ओवरटर्न कर दिया गया, या फिर आपको कोई अप्रोप्रिएट ऑफिशियल ने कोई इंटरप्रिटेशन दी। इन चार लिमिटेड केसेस में आपको मिस्टेक ऑफ लॉ अगर हो जाती है तो हम क्या मानते हैं कि चलो कोई बात नहीं, क्योंकि इन चारों केसेस में देर वॉज अ लॉ अकॉर्डिंग टू यू है ना, एक लॉ तो था। ऐसा नहीं हो सकता था कि मर्डर करने पे आपने बोल दिया कि मेरे को पता ही नहीं था कि मेरे को तो मिस्टेक ऑफ लॉ हो गई, तब आप नहीं बोल सकते। तब क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि देर वॉज एट नो पॉइंट मर्डर वॉज कम्प्लीटली अलाउड, मर्डर को कभी अलाउ नहीं करा था। लेकिन बाकी चारों केसेस में क्या था कि कभी ना कभी कुछ ना कुछ सिचुएशन थी और समथिंग दैट और द अदर वॉज अलाउड। ओके क्लियर हो गया, इसमें कोई डाउट है?
ओके, मूविंग ऑन। एक्सीडेंट इन डूइंग अ लॉफुल एक्ट, ये एक बार देखो, डन बोल देना जैसे ही पढ़ो, है ना, निष्ठा जिंदा हो गई है। यस, और मेरे को फिर मैं आपको ये वाला भी समझाऊंगा। निष्ठा, तुम जिंदा नहीं हो, तुम जिंदा हो गई हो, दोनों में अंतर होता है। अक्षर, ये ऐसा हो क्यों रहा है ये बार बार? देखो, कई बार क्या होता है कि आप कोई लॉफुल एक्ट कर रहे हो और उस समय अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो यू आर नॉट मेड लायबल। जैसे यहाँ पर हम क्या देख रहे थे, एग्जाम्पल था कि मान लो एक इंसान कुल्हाड़ी से क्या कर रहा है ना, हाँ रोहित थोड़ा सा हो रहा है, कुल्हाड़ी से इस तरह से खोद, किसी चीज़ को खोद रहा है, और उसी समय जो कुल्हाड़ी का मुंह होता है ऊपर वाला, वो गोल 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 निकल जाता है और गोल 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 घूम के किसी को काट देता है, मार देता है। तो दिस इज वॉट, दिस इज एक्सीडेंट। यहाँ पे आपका कोई इंटेंशन तो नहीं था, और अगर आपने एक्सीडेंट से किसी को मार दिया जिसमें आपकी कोई गलती नहीं थी, तो यहाँ पर इसको ऑफेंस नहीं माना जाएगा। तो इसको क्या हो जाएगा, है ना, ऑफेंस नहीं माना जाएगा। ओके, यस। अब आता है सेक्शन 81। 81 का कॉन्सेप्ट होता है नेसेसिटी। नेसेसिटीज के लिए एक सिंपल सा हम देखते हैं कि मैक्सिम एप्लीकेबल है, कोड नेसेसिटास नॉन हैबिट लिगम, यानी कि नेसेसिटी नोज नो लॉ एंड नेसेसिटास विंसिट लिगम। नेसेसिटी ओवरकम्स द लॉ, कि अगर किसी इंसान को जरूरत पड़ती है तो वो, यहाँ पे इट डज नॉट नो एनी लॉ। ठीक है, तो सेक्शन 81 को एक बार पढ़ो आप लोग। हाँ निष्ठा, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा क्यों हो रही है? ना एक मिनट दो मुझे, एक छोटा सा लैग आएगा। अच्छा गाइस, अभी इज द क्लास स्टार्टेड, इज द क्लास स्टार्टेड गाइस, एक बार कमेंट करके बता दो।
यस, आई होप अब ये आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके ठीक है। 81 क्या बोल रहा है? 81 इज टेलिंग अस वेरी सिंपल थिंग कि अगर आपने कोई काम किसी बड़े हार्म को बचाने के लिए किया हुआ है, इन दैट केस इट विल नॉट बी कॉल्ड एज अ हार्म, इसको हम हार्म नहीं कहेंगे। ठीक है, इट इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट सच अ केस वेदर द हार्म टू बी प्रिवेंटेड और अवॉइडेड वॉज ऑफ सच अ नेचर एंड सो इमिनेंट सो एज टू जस्टिफाई और एक्सक्यूज द रिस्क ऑफ डूइंग द एक्ट विद द नॉलेज दैट इट वॉज लाइकली टू कॉज हार्म। तो कई बार क्या होता है ना, यस यस, अब यहां पर एक चीज देखो, यहां पर क्या होता है कि कई बार एक हार्म आप जानबूझ करके करते हो। आप जानबूझ करके कोई हार्म क्यों करोगे? क्योंकि आपको किसी बड़े हार्म से अपने आप को बचाना है। सो यू वॉन्ट टू सेव योर सेल्फ फ्रॉम अ बिगर हार्म, यू आर डूइंग समथिंग ऑफ योर, है ना, आप कोई बड़ा हार्म कर रहे हो। और इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए वी डू सर्टेन थिंग्स, हम यहाँ पर कुछ चीजें करते हैं। ठीक है, तो एक्ट लाइकली टू कॉज हार्म बट डन विदाउट क्रिमिनल इंटेंट एंड टू प्रिवेंट अदर हार्म। तो कुछ क्रिमिनल इंटेंट के साथ कुछ चीजें की जाती है और दे आर डन टू प्रिवेंट सर्टेन अदर काइंड ऑफ हार्म। ओके, मूविंग ऑन, नेक्स्ट पे चलते हैं हम दोस्तों। यस ओके, यहाँ पर अब कुछ इलस्ट्रेशन है, प्लीज रीड इलस्ट्रेशन नंबर 8, जिससे आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी और एग्जांपल आ जाएंगे, है ना। और अब दोस्तों आई एम श्योर कि आप किसी भी तरह का ये जो ब्लरीनेस आपको दिख रहा था वो ब्लरीनेस नहीं हो रहा है ना, ये ब्लरीनेस हो तो नहीं रहा है ना किसी भी तरह से। If you are not able to understand either illustration, मेरे को बताना, है ना, बड़ी सिंपल है, एक को अगर दो बार पढ़ोगे तो आराम से समझ में आ जाएगी। Alright guys, I'm waiting for you to say done.
ध्रुवेश वो कौन ऊपर कर देंगे, है ना? यस। तो अब ये सेकंड इलस्ट्रेशन पढ़ लो। यस, ऑलराइट गाइस, चलिए तो आगे बढ़ेंगे। क्या आपको किसी भी एग्जांपल में, किसी भी इलस्ट्रेशन में डाउट है? आई होप अगर आपको डाउट है तो आप लोग बता दोगे, है ना? अज्यूमिंग की नहीं है, तब हम चलते हैं एक्ट ऑफ अ चाइल्ड अंडर 7 ईयर ऑफ एज। देखो यहाँ पर हमको एक टेबल से इसको समझना पड़ेगा कि आखिर किस तरह के तरह से हम लोगों को बांटते हैं। तो वी डिवाइड किड्स इंटू 0 to 7, 7 to 12, 12 to 16, 16 to 18 और 18 प्लस। ये पांच वैरायटी के लोग हमारे पास होते हैं। 0 to 7 के बच्चे किसी भी तरह का ऑफेंस कर देंगे तो इनके ऑफेंस को हम नहीं कंसिडर करेंगे, ठीक है? तो ऑफेंस जो होगा उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा, ठीक है? तो पनिशमेंट भी नहीं मिलेगी। 7 to 12 में अगर आप ऑफेंस करते हो तो ये देखा जाएगा कि क्या आपके पास मेच्योरिटी थी ऑफेंस करने की। अगर मेच्योरिटी थी तो आपको ऑफेंस के लिए पनिशमेंट मिलेगी, लेकिन इट विल बी लेस पनिशमेंट, ठीक है? 12 to 16 में क्या होता है, आपकी कोई मेच्योरिटी नहीं देखते, आपको ऑफेंस के लिए लायबल माना जाएगा, बट यहाँ पर आपको पनिशमेंट जो मिलेगी वो लेस मिलेगी। 16 to 18 में आपको ऑफेंस के लिए लायबल माना जाएगा, लेकिन पनिशमेंट आपकी मेच्योरिटी के ऊपर डिपेंडेंट होगी कि अगर आपने एडल्ट की तरह कोई ऑफेंस करा है तो आपको एडल्ट की तरह पनिशमेंट मिलेगी, लेकिन लगता है कि नहीं आप में मेच्योरिटी थोड़ी कम थी तो आपको बच्चों की तरह पनिशमेंट मिल सकती है। लेकिन अगर आप 18 प्लस हो तो आपको ऑफेंस भी पूरा मिलेगा और पनिशमेंट भी पूरी मिलेगी। तो दिस इज द केस ऑफ इन्फेंसी। इसको हम क्या बोलते हैं, इन्फेंसी बोलते हैं कि अगर आप 7 साल से कम के हो तो आपको किसी भी तरह का ऑफेंस नहीं माना जाएगा, या आपको ऐसा नहीं बोला जाएगा कि आपने ये ऑफेंस किया हुआ है, ठीक है? आगे समझ में कोई डाउट है? यप, ऑलराइट, मूविंग ऑन। फिर आता है एक्ट ऑफ अ चाइल्ड अंडर अबाउट 7 and under 12 ऑफ इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग। सिंपल सी बात थी कि जो अभी आपको मैंने 0 to 7 का बताया, फिर ये क्या बोल रहा है, ये 7 to 12 वालों की बात कर रहा है। तो दिस इज टॉकिंग अबाउट द 7 to 12 वाला एज ग्रुप, है ना? तो 7 to 12 वाला एज ग्रुप जिसके बारे में अभी हमने बात की थी, ओके? सो दिस पर्सन इज टॉकिंग अबाउट दैट एज ग्रुप। यस, मूविंग ऑन। एक्ट ऑफ अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, क्या होगा जब कोई इंसान अगर अनसाउंड माइंड का हो। अच्छा बाय द वे, पिछली वाली में मैं कोई बता दूं कि कोई भी डाउट है क्या, उसके बाद अनसाउंड माइंड पे जाएंगे। हिमानी, व्हाट वाज दिस टेबल, वाज नॉट क्लियर क्या? ये टेबल क्लियर नहीं थी। ठीक है, मतलब व्हाट एस्पेक्ट समझ नहीं आया, एक बार को बताओ मुझे।
12 to 16 वाला। देखो 12 to 16 वाला में क्या होता है, मानिए कि एक बच्चे को हम ये नहीं देखते कि उसके पास मेचोरिटी थी कि नहीं, हम देखते हैं कि उसके पास मेचोरिटी आ गई है क्राइम करने की। लेकिन जब उसको हम पनिशमेंट देते हैं, पनिशमेंट देते वक्त हम ये देखते हैं कि क्या इस इंसान को पूरी पनिशमेंट देनी चाहिए या कम देनी चाहिए, तो उसको पूरी पनिशमेंट नहीं देते, है ना। उसको एडल्ट वाले प्रिजन में नहीं भेजते, हम उसको क्या करते हैं, हम उसको जो बच्चों के लिए प्रिजन होता है, बाल सुधार गृह जिसको बोलते हैं, उसमें भेजा जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ? लैग हो गया क्या? यार ये लैग क्यों हो रहा है? सर अभी ठीक है क्या गाइस? इज दिस ओके नाउ? मतलब अभी रेडी हो गया? जस्ट गिव मी वन मोमेंट गाइस, आई विल बी बैक। ओके, मैं एक मिनट में आ रहा हूँ। यार इसका कुछ करना पड़ेगा गाइस, है ना। इस तरह से फ्रेम ड्रॉप होगी तो कैसे काम चलेगा? अभी ठीक है। नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट वी सी इज एक्ट ऑफ अ पर्सन ऑफ एन अनसाउंड माइंड। क्या होता है जब कोई एक्ट ऑफ अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड होता है? देखो, नथिंग इज एन ऑफेंस व्हिच इज डन बाय अ पर्सन हु एट द टाइम ऑफ डूइंग इट बाय रीजन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। अच्छा, फिर वापस से आया था क्या कोई लैग? वॉज देयर अ लैग दैट वी फेस्ड अगेन? क्या हम लोगों ने वापस से कोई लैग फेस किया है दोस्तों? यस, ओके। तो गाइस वी विल रिज्यूम आवर क्लास एट 2:30, है ना। 2:30 पे हम रिज्यूम करते हैं। मैं कुछ फिगर आउट करता हूँ तब तक कि ये क्यों हो रहा है यहाँ पे। ओके, तो गिव मी टाइम टिल 2:30 एंड वी विल रिज्यूम दिस क्लास।
ओके, आई थिंक वापस से भी थोड़ा सा लैग होने लगा। ऑल राइट गाइज, आई होप, आई एम होपिंग कि अभी ठीक हो जाएगा, है ना। तो देखते हैं कि कितना हम इसको अभी ठीक कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। तो लेट मी नो इन द कॉमेंट बॉक्स इफ ऑल ऑफ यू आर हियर। लेट मी ट्राई एंड चेक इट इज वर्किंग आउट वेल। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्ट ऑफ अ पर्सन ऑफ एन अनसाउंड माइंड। बेसिकली एक ऐसा इंसान जो अपनी अनसाउंडनेस ऑफ माइंड के कारण अपने क्राइम का कॉन्सिक्वेंस समझ नहीं पा रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, है ना। उसको हम बोलते हैं कि जनरली दैट पर्सन इज ऑफ अनसाउंड माइंड एंड इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द एक्टिविटीज दैट ही इज डूइंग। तो जो उसकी नेचर ऑफ एक्टिविटी है वो उसको समझ नहीं पा रहा है, ठीक है। अब आता है उसके बाद इंटॉक्सिकेशन। एक बार आप इसको पढ़ लो, उसके बाद मैं आपको ये इंटॉक्सिकेशन वाला सेक्शन समझाता हूँ। ओके, हाय मानी। ओके, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि एक्ट ऑफ अ पर्सन हु इज इनकैपेबल ऑफ जजमेंट बाय रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन कॉज अगेंस्ट हिज विल। तो अगर एक ऐसा इंसान है जो अपने इंटॉक्सिकेशन के कारण ये समझ नहीं पा रहा है कि उसको किस तरह से काम करना है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, हम उसको वापस से लायबल ठहरा सकते हैं। तो फॉर इंस्टेंस, अगर आपको इंटॉक्सिकेट कर दिया किसी ने और अब आपने इंटॉक्सिकेशन के कारण कोई क्राइम कर दिया, तो ऑब्वियसली यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द एक्टिविटी। आपको समझ नहीं आ रहा है कि यार आप क्या कर रहे हो, आप जो कर रहे हो सही कर रहे हो नहीं कर रहे हो। तो इस केस में बिकॉज यू आर इंटॉक्सिकेटेड, क्योंकि आप इंटॉक्सिकेटेड हो, तो यहाँ पर आप लायबल नहीं होगे।
है ना, तो यू विल नॉट बी मेड लायबल बिकॉज यू आर इंटॉक्सिकेटेड इन दिस प्रेजेंट केस. ओके, नाउ ऑफेंसेज रिक्वायरिंग अ पर्टिकुलर इंटेंट और नॉलेज कमिटेड बाय वन हु इज इंटॉक्सिकेटेड. यहाँ पर भी सेम बात कर रहे हैं, लेकिन हमने यहाँ पर एक और चीज़ बता दी कि यार या तो ये जो इंटॉक्सिकेशन होना चाहिए ये विदाउट हिज नॉलेज होना चाहिए या अगेंस्ट विल होना चाहिए. इन दोनों में से अगर कुछ और रहेगा तो फिर आपको लायबल ठहरा देंगे. तो मतलब आपने जानबूझकर की शराब पी है और उसके कारण आपने क्राइम कर दिया है, तो देन दैट इज नॉट ओके, दैट इज नॉट कूल, दैट इज समथिंग दैट वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट आउट ऑफ यू. तो हम वो चीज़ आपसे एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि यार चलो ठीक है, इस इंसान ने अच्छे से करा काम, इसने गड़बड़ कर दी, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल. ओके, अब काय का लैग है यार, अब तो कोई लैग नहीं है निष्ठा, अब तो देर इज एब्सोल्युटली नो लैग. मैं भी खोल के बैठा हूँ यार, ऐसा थोड़ी है ना. हाँ निष्ठा, ऐसे थोड़ी है यार. यस, अब आते हैं अगला डिफेंस, और ये जो लास्ट डिफेंस हम जिसकी बात करेंगे वो होता है प्राइवेट डिफेंस. प्राइवेट डिफेंस ये बोलता है कि अगर आपने किसी को प्राइवेट डिफेंस के अंतर्गत मार दिया, तो फिर मारा है, कोई ऑफेंस करा है, तो वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा क्योंकि आप अपने आप को बचा रहे थे. ठीक है, तो अगर आप खुद को बचाने के लिए कोई काम करते हो तो आप यहाँ पे लायबल नहीं होंगे. और ये किस किस के लिए मिलता है? ये आपको मिलता है बॉडी के लिए भी मिलता है प्राइवेट डिफेंस, और प्रॉपर्टी के लिए भी मिलता है. तो यू गेट अ राइट टू प्राइवेट डिफेंस बोथ टू प्रोटेक्ट योर बॉडी, आप अपनी बॉडी को भी प्रोटेक्ट कर सकते हो और आप अपनी प्रॉपर्टी को भी प्रोटेक्ट कर सकते हो. तो यू कैन प्रोटेक्ट योर बॉडी एज वेल एज योर प्रॉपर्टी. ओके, ये एक बार पढ़ लो कि क्या क्या इसके एम्बिट में आ रहा है. ऑलराइट, अगले पे चलते हैं. अगला है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट द एक्ट ऑफ अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड एक्सेट्रा. तो अगर मान लो कि एक ऐसा इंसान है जो पागल है ना, एंड ही इज अनसाउंड, ही इज ऑफ अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड. अब क्योंकि वो अनसाउंड माइंड का पर्सन है, तो वो अगर आपको मार भी देता है तो ही इज नॉट कमिटेड अ क्राइम. तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या इन दैट केस, इन दैट पर्टिकुलर केस, शुड यू बी मेड लायबल? क्या आप यहाँ पे लायबल होने वाले हो? तो इसका जवाब आता है कि येस, यू कैन स्टिल बी मेड लायबल, सॉरी, यू कैन स्टिल टेक द डिफेंस ऑफ प्राइवेट डिफेंस. है ना, यहाँ पे ये नहीं देखना कि सामने वाला आपको साथ जो कर रहा था वो ऑफेंस था या नहीं था. हमको ये देखना है कि क्या आपको यहाँ पे डर लगा, है ना, और डर लगा तो रीजनेबल था कि नहीं अपने आप को बचाना. अगर आपको लगता है कि अपने आप को बचाना रीजनेबल था, तो यहाँ पर क्या होगा, आप अपने आप को बचा सकते हो. ठीक है, स्क्रीन जो ब्लर हो रही है ये अपने आप सही हो जाएगी दोस्तों, प्लीज डू नॉट वरी. है ना, तो इतना चिंता मत करो यार, ये हो जाएगी. एक बार इस स्लाइड को पढ़ लो प्लीज, प्लीज रीड दिस स्लाइड.
हाय तनुज, ओके, इज एनी डाउट इन दिस इलस्ट्रेशंस? क्या इन इलस्ट्रेशंस में आपको कोई भी डाउट है दोस्तों? ओके, अब कुछ ऐसी एक्ट भी होती है जिसके लिए कोई प्राइवेट डिफेंस नहीं मिलता है, ठीक है? अब देयर इज नो राइट टू प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एन एक्ट व्हिच डज नॉट रीजनेबली कॉज अप्रिहेंशन ऑफ डेट और ग्रीवियस हर्ट इफ डन और अटेम्प्टेड टू बी डन बाय अ पब्लिक सर्वेंट एक्टिंग इन गुड फेथ अंडर कलर ऑफ हिज ऑफिस दो दैट एक्ट मे नॉट बी स्ट्रिक्टली जस्टिफाइबल बाय लॉ। तो अब यहाँ पर प्राइवेट डिफेंस का ये मतलब नहीं होता कि कल से आपको कोई अगर पुलिस वाला पकड़ने आ रहा है या कोई मिलिट्री मैन आपको रोकने की कोशिश कर रहा है और आप उसके खिलाफ क्या कर रहे हो, आप उसके खिलाफ अपना प्राइवेट डिफेंस यूज कर रहे हो ये बोल करके कि ये हमारे राइट वायलेट कर रहा था, ठीक है? तो ये चीज ध्यान रखना कि अगर आपको पब्लिक ऑफिसर पुलिस ऑफिसर से ग्रीवियस हर्ट या डेथ की इंजरी लग रही है कि यार हमको मार देंगे या ग्रीवियस हर्ट कर सकते हैं, इन दैट केस तो आप प्राइवेट डिफेंस ले सकते हो, वरना आप प्राइवेट डिफेंस नहीं ले सकते हो, ठीक है? ओके, थर्डली यहाँ पे अगर आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि आप लेट से जा सकते हो पब्लिक अथॉरिटीज के पास, आप कोर्ट में जा सकते हो, पुलिस में जा सकते हो, उनका प्रोटेक्शन क्लेम कर सकते हो, तब भी आपके पास प्राइवेट डिफेंस की अपॉर्चुनिटी नहीं रहेगी। इवन इन दैट केस यू विल नॉट बी अलाउड टू टेक द डिफेंस ऑफ प्राइवेट डिफेंस, ठीक है? ओके, फिर क्या होगा? द राइट टू प्राइवेट डिफेंस कहाँ तक एक्सटेंड होता है कि आप सिर्फ उतना ही किसी को मार सकते हो, किसी को कुछ हानि पहुंचा सकते हो जितना कि जरूरी है ना? ऐसा नहीं कि बस आपने कोई चोर आया और उसको वो भाग रहा है आपके घर से, अब आपका खतरा तो टल गया, फिर भी आपने क्या करा, उसको मार दिया। अगर आपने उसको मार दिया तो ये बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, दिस विल बिकम अ वेरी बिग प्रॉब्लम। ए समझ में नहीं आया था, ठीक है? ए क्या था निष्ठा? जेड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैडनेस अटेम्प्ट्स टू किल ए, ए को मारने की वो कोशिश करता है। यहाँ पे Z इज गिल्टी ऑफ नो ऑफेंस बट A हैज द सेम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस विच ही वुड हैव इफ Z वर सेड। तो अब यार Z आपको मारने की कोशिश कर रहा है और पागल है, तब आप उसके खिलाफ भी प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि उसको सेड होना चाहिए या कुछ और होना चाहिए, है ना? यू कैन डेफिनेटली यूज योर राइट टू प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट दैट पार्टी एज वेल, आप उसके खिलाफ भी आप अपना प्राइवेट डिफेंस का चीजें कर सकते हो। यस, ओके, ओके। व्हेन डज द राइट टू प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ? कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां पे आपको प्राइवेट डिफेंस इतना मिल चुका होता है कि आप डेथ भी कॉज कर सकते हो। वो कौन कौन से केसेस, इसको हमको सिर्फ पढ़ना है एक बार, तो प्लीज रीड देम, एक बार पढ़ लो अच्छे से। ओके, एन असॉल्ट विद द इंटेंशन ऑफ रॉन्गफुली कंफाइनिंग अ पर्सन
under circumstances which may reasonably cause him to apprehend that he will be unable to have recourse to the public authorities for his release. अगर मान लो आपको ऐसा लगता है कि कोई इंसान आपको पकड़ने के लिए आ रहा है और फिर आपको पकड़ करके रख लेगा और आप पब्लिक अथॉरिटीज के पास नहीं जा पाओगे, इन दैट केस आप उस इंसान को मार भी सकते हो. ठीक है, समझ में आया कि कोई किडनैप कर लेगा, किडनैप भी ऐसा करेगा कि आपको कभी मौका ही नहीं मिलेगा छूटने का, उस तरह का. ठीक है, ओके, मूविंग ऑन. यस, व्हेन सच राइट एक्सटेंड्स टू कॉजिंग एनी हार्म अदर देन डेथ. तो देखो कुछ ऐसी चीजें होती है जिसमें, जैसे हमने जो डिस्क्रिप्शन पिछले सेक्शन में नहीं दी थी, सेक्शन 100 में, तब आप क्या कर सकते हो, अदर देन डेथ कुछ भी हार्म कॉज कर सकते हो, लेकिन डेथ आप नहीं कर सकते. अगली चीज होती है कि राइट टू प्राइवेट डिफेंस कमेंस कब होता है और कंटिन्यू कब तक होता है. तो ये कमेंस होता है जब आपको थ्रेट लगने लगे, है ना, तो वेन यू फील कि यार कुछ थ्रेटन आपको हो रहा है या आपको कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तब से ये राइट टू प्राइवेट डिफेंस कमेंस होता है. और फिर ये एंड कब तक होता है, तो ये एंड भी तब तक ही होता है जैसे ही वो थ्रेट आपके पास रहती है. तो इट कंटिन्यूज टिल द थ्रेट इज देयर एंड इट एंड्स वंस द थ्रेट इज ओवर. जब वो थ्रेट ओवर हो जाएगी तब वो एंड भी अपने आप हो जाता है, स्वतः एंड होता है. ओके, यस. अब व्हेन द राइट टू प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी एक्सटेंड्स टू कॉजिंग डेथ. तो अभी तो आप कॉज डेथ कब कर रहे थे, जब आपकी बॉडी को हार्म था या किसी और की बॉडी को हार्म था. अब कब ऐसा होगा कि किसी इंसान ने आपके यहाँ प्रॉपर्टी लेने आया हो और उस समय आप उसकी डेथ कॉज कर सकते हो. तो प्लीज रीड फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और मुझे बताओ कि इसमें अगर आपको डाउट है क्या. Okay, yes. चलिए next, when such right extend to causing any other harm other than death, तो वो जो अभी हमने देखा था उसके अलावा कुछ और होता है तो आप other than death भी यहाँ पर cause कर सकते हो. Commencement and continuance, जब तक threat रहेगी तब तक commencement continue होगा, है ना. Yes, right of private defence against deadly assault, when there is a risk of harm to innocent person. तो अगर एक innocent person को risk of harm है तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, उस पर आप यहाँ पर बचा भी सकते हो. ठीक है, यस. चलिए अब हम चलेंगे ऑफेंसेस अगेंस्ट लाइफ पर. गाइस वी विल बी टेकिंग अ 3 मिनट ब्रेक, 253 पे कंटिन्यू करेंगे और 253 पे हम जब चलेंगे तो वी विल बी टॉकिंग अबाउट ऑफेंसेस अगेंस्ट लाइफ. ओके, यस.
तो हम यहाँ पर अब देखेंगे ऑफेंसेस अगेंस्ट लाइफ, है ना, कि ऑफेंसेस जो लाइफ को अफेक्ट करते हैं। देखो, कल्पेबल होमिसाइड इज द ऑफेंस दैट वी जनरली टॉक अबाउट, है ना। कल्पेबल होमिसाइड का मतलब क्या होता है? जब आप, यू आर गिल्टी ऑफ किलिंग अ ह्यूमन बींग, जब भी आप किसी ह्यूमन बींग को मारने के लिए गिल्टी होते हो, तो इट मीन्स कि यू आर लाइबल फॉर कल्पेबल होमिसाइड, है ना। तो कल्पेबल यानी गिल्टी और होमिसाइड किलिंग ऑफ अ ह्यूमन बींग, वेन यू आर गिल्टी ऑफ किलिंग ऑफ अ ह्यूमन बींग, यू आर गिल्टी ऑफ कल्पेबल होमिसाइड। दैट इज एज सिंपल एज इट कैन गेट। नाउ आफ्टरवर्ड्स वी शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट, ये तो हो गया कल्पेबल होमिसाइड सिंपलीसिटर। इसके बाद क्या कुछ ऐसी चीजें भी होती है जो नॉट कल्पेबल होमिसाइड होती है? तो बिल्कुल होती है। नॉट कल्पेबल होमिसाइड कैसा होता है? देखो, जब आपके लिए आप लायबल नहीं हो, है ना, तो आपने गिल्टी नहीं हो, तो अगर मान लो आप पुलिस में थे और आपको जरूरी था कि किसी को मारना है क्योंकि वो आप पे अटैक कर रहा था, या प्राइवेट डिफेंस में आपने किसी को मारा है, तो दैट विल अमाउंट टू नॉट कल्पेबल होमिसाइड, है ना। तो वो किस में आ जाएगा? नॉट कल्पेबल होमिसाइड में आ जाएगा। तो सेक्शन 299 कल्पेबल होमिसाइड की बात करता है। एक बार सेक्शन 299 को पढ़ते हैं हम लोग। हूएवर कॉजेज डेथ, है ना, अभी नहीं हुआ है दीपाली। हूएवर कॉजेज डेथ बाय डूइंग एन एक्ट विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ और विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडी इंजरी एज इज लाइकली टू कॉज डेथ और विद द नॉलेज दैट ही इज लाइकली बाय सच एन एक्ट टू कॉज डेथ कमिट्स द ऑफेंस ऑफ कल्पेबल होमिसाइड। अब देखो, कल्पेबल होमिसाइड कब कब होगा? जब आप किसी को डेथ कॉज कर रहे हो, जब आपका इंटेंशन है डेथ कॉज करने का, या फिर आप किसी को ऐसी बॉडीली इंजरी कर रहे हो जो लाइकली है किसी को डेथ कॉज करते, या फिर आप इस नॉलेज के साथ काम कर रहे हो कि आप जो भी करोगे उससे क्या हो जाएगा, उससे डेथ कॉज हो जाएगी, तो इन सारे केसेस में यू विल बी लायबल फॉर कल्पेबल होमिसाइड, है ना। यहाँ पर आप किसके लिए लायबल होंगे? कल्पेबल होमिसाइड के लिए लायबल होंगे। देखिए, इसका इलस्ट्रेशन क्या होता है, हाँ, हिमानी अभी नहीं हुआ। ए लेस स्टिक एंड टर्फ ओवर अ पिट, तो गड्ढे के ऊपर उसने क्या रखा, कुछ लकड़ी वगैरह रख दी, जिससे क्या हो कि उसको पता है कि इससे डेथ कॉज हो जाएगी। तो अब जेड को लगा कि यार यहाँ पे गड्ढा नहीं है, सड़क दिख रही है, उस पर वो चढ़ा, और जैसे उस पर वो चढ़ा तो वो नीचे गिर गया और वो मर गया यहाँ पर। तो यहाँ पर ए हैज कमिटेड द ऑफेंस ऑफ कल्पेबल होमिसाइड, क्योंकि यहाँ पर उसका इंटेंशन था या उसके पास नॉलेज था। इलस्ट्रेशन नंबर बी क्या बोलती है? इलस्ट्रेशन नंबर बी बोलती है, ए नोज जेड टू बी बिहाइंड अ बुश, और उसने क्या करा कि ए को पता है कि जेड बुश के पीछे और बी को पता नहीं, तो ए जेड को मारने के लिए बी को प्रॉम्प्ट करता है कि जाओ तुम उसको मारो, है ना, मारो मत, मतलब वहां पे उस तरफ अपना शूट कर, वहां पे वो शूट करते हैं और जेड की यहाँ पे मौत हो जाती है। तो बी का तो कोई ऑफेंस नहीं होगा। बी का ऑफेंस क्यों नहीं होगा दोस्तों? बिकॉज ही डिड नॉट हैव द मेंस रिया। बट यहाँ पर ए विल बी लायबल फॉर एन ऑफेंस ऑफ कल्पेबल होमिसाइड, तो ए यहाँ पर कल्पेबल होमिसाइड के लिए लायबल हो जाएगा। सी क्या बोल रहा है? ए बाय शूटिंग एट अ पोल विद एन इंटेंट टू किल एंड स्टील इट किल्स बी हु इज बिहाइंड अ बुश, ए नॉट नोइंग दैट ही वाज देयर। हियर ऑल्दो ए वाज डूइंग एन अनलॉफुल एक्ट, ही वाज नॉट डूइंग गिल्टी ऑफ कल्पेबल होमिसाइड एज ही डिड नॉट इंटेंट टू किल बी और टू कॉज डेथ बाय डूइंग एन एक्ट दैट ही न्यू वाज लाइकली टू कॉज डेथ। तो आप चोरी करने गए और चोरी करने के हिसाब से आपने एक चिकन को शूट करने की कोशिश करी, चिकन तो शूट नहीं हुआ, कोई और मर गया। अब कोई और अगर मर गया तो यहाँ पर आप कल्पेबल होमिसाइड के लिए लायबल नहीं हो सकते हो। और क्यों नहीं हो सकते हो? देयर इज वन असेंशियल एलिमेंट ऑफ क्राइम दैट इज एब्सेंट हियर। क्या कोई बता सकता है व्हाट इज दैट असेंशियल एलिमेंट ऑफ क्राइम दैट इज एब्सेंट? कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज दैट असेंशियल एलिमेंट दोस्तों?
है ना, इट वॉज मेंस रिया, क्योंकि मेंस रिया एबसेंट था तो यहाँ पर हम इसको लायबल नहीं ठहरा सकते हैं, ठीक है। यस, अब ये कुछ एक्सप्लेनेशन है, प्लीज इन एक्सप्लेनेशन को पढ़ो और मुझे बताओ इफ यू आर यू हैव डाउट इन एनी ऑफ दिस एक्सप्लेनेशन, क्या इनमें से किसी भी एक्सप्लेनेशन पे आपको डाउट है तो आप प्लीज मुझे बताना, ठीक है। अभी क्लियर है, देखो एक बार, अननोन यूजर, एक दो सेकंड के लिए हो रहा है ये, आज मुझे पता नहीं क्यों हो रहा है, बट उसके बाद ये क्लियर हो जा रहा है। ओके, ठीक है, तो अज्यूमिंग कि यहाँ पर आपको कुछ नहीं है दिक्कत, अब हम पढ़ेंगे मर्डर को। देखो मर्डर को हमने यहाँ पर बोला है कि कल्पेबल होमिसाइड जनरली मर्डर होगा, सिर्फ उन केसेस को छोड़ दे जो यहाँ पर हमने एक्सेप्ट कर रखे हैं, है ना, एक्सेप्ट कर रखे हैं, यानी कि जिनका अपवाद हमने बना रखा है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले इफ द एक्ट बाय विच द डेट इज कॉज इज डन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, कि जो भी एक्शन आपने लिया था मर्डर करने के लिए वो इसलिए लिया गया था क्योंकि वहां पर आपके इंटेंशन था कॉजिंग डेथ का, या फिर ऐसा कोई एक्शन आपने दिया गया था या ऐसी कोई बॉडी इंजरी थी जो आपको पता है कि किसी को डेथ कॉज कर देगी, जिसको आपने हार्म कॉज कर रहे हो, या फिर इफ इट इज डन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडीली इंजरी टू एनी पर्सन एंड द बॉडीली इंजरी इंटेंडेड टू बी इन्फ्लिक्टेड इज सफिशियंट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर टू कॉज डेथ, या फिर ऐसी बॉडीली इंजरी जो कि नेचुरल कोर्स में सफिशिएंट है कि वो किसी की भी डेथ को कॉज कर देगी, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको भी हम मर्डर की श्रेणी में लेकर के आएंगे। या फिर फोर्थली, इफ द पर्सन कमिटिंग द एक्ट नोज दैट इट इज सो इमिनेंटली डेंजरस दैट इट मस्ट इन ऑल प्रोबेबिलिटी कॉज डेथ और सच बॉडीली इंजरी एज इज लाइकली टू कॉज डेथ एंड कमिट सच एक्ट विदाउट एन एक्सक्यूज फॉर इनकरिंग द रिस्क ऑफ कॉजिंग डेथ और सच इंजरी एज अफोरसेड। तो तीन चीजें तो हमने देखी, फोर्थ चीजें क्या है कि आप कोई बहुत इनहेरेंटली डेंजरस काम कर रहे हो और इतना डेंजरस काम कर रहे हो कि आपको पता है कि इससे डेथ कॉज हो सकती है, इवन इन दैट केस यू विल बी मेड लायबल फॉर मर्डर, यहाँ पर भी आप मर्डर के लिए लायबल हो जाओगे, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इन एग्जाम्पल्स को आपको पढ़ना है एंड इफ यू हैव डाउट इन एनी ऑफ द एग्जाम्पल्स यू विल हैव टू लेट मी नो, आप मुझे बता देना कि इस एग्जाम्पल में हमको डाउट है और मैं आपको वो एग्जाम्पल वापस से समझा दूंगा।
ओके मूविंग ऑन। चलो अब कुछ ऐसे केसेस भी होते हैं जहाँ पे वापस से हमारी स्क्रीन यहाँ पे ब्लर हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं, एज लॉन्ग एज माई वॉइस इज क्लियर टू यू यू विल नॉट फाइंड एनी प्रॉब्लम। तो कुछ ऐसे केसेस भी होते हैं दोस्तों जहाँ पे कल्पेबल होमिसाइड मर्डर नहीं होता है। अब वो केसेस कौन कौन से होते हैं जहाँ पे कल्पेबल होमिसाइड मर्डर नहीं होता है। कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर इन सर्टेन केसेस। सबसे पहले केस होता है जहाँ पे एक प्रोवोकेशन हुआ हो, है ना, तो व्हेन देयर इज अ ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन, तो उसमें हम क्या बोलते हैं, द कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर। उस केस में हम क्या बोल देंगे दोस्तों कि कल्पेबल होमिसाइड जो है वो मर्डर नहीं है। सेकेंडली मतलब ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन होना चाहिए, ठीक है, ऑल राइट। उसके बाद सेकेंड एक्सेप्शन क्या होगी, तो हम देखते हैं कि एक मिनट, यस, एक्सेप्शन नंबर वन को देखते हैं। व्हेन कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर, कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर इफ द ऑफेंडर वाइल डिप्राइव्ड ऑफ द पावर ऑफ सेल्फ कंट्रोल बाय ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन कॉजेज द डेथ ऑफ द पर्सन हु गेव द प्रोवोकेशन और कॉजेज द डेथ ऑफ एनी अदर पर्सन बाय मिस्टेक और एक्सीडेंट। तो अगर आपको एकदम से किसी ने उकसा दिया है और उस प्रोवोकेशन में आप अपना डिसीजन नहीं ले पा रहे हो ढंग से और तब आपने किसी का मर्डर कर दिया, तो यू विल नॉट बी लायबल फॉर कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर, बट यू विल बी लायबल फॉर कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। इसका ये मतलब नहीं होता कि उसमें आपको पनिशमेंट नहीं मिलेगी, बट सिर्फ इतना मतलब होता है कि पनिशमेंट जो मिलेगी वो आपको कम मिलेगी, ठीक है। इसके कई सारे प्रोविजोज भी होते हैं, जैसे सबसे पहले दैट द प्रोवोकेशन इज नॉट सॉट वॉलेंटरली और प्रोवोक्ड बाय द ऑफेंडर एज एन एक्सक्यूज फॉर किलिंग और डूइंग हार्म टू एनी पर्सन। ऐसा ना हो कि पहले आप खुद उसको मारने गए हो और उसने मारा, तो फिर उसने आपको कुछ कुछ बातें बोली जिससे आपको बुरा लग गया और फिर आप यहाँ पर उसको बोल रहे हो कि नहीं तुमने मेरे साथ ठीक नहीं करा, तो दैट इज समथिंग दैट वी डू नॉट अलाउ, है ना। तो ऐसे आप किसी को प्रोवोक करके ये सारे काम नहीं कर सकते हो। सेकेंडली दैट द प्रोवोकेशन इज नॉट गिवन बाय एनीथिंग डन इन ओबीडियंस टू द लॉ और बाय पब्लिक सर्वेंट इन द लॉफुल एक्सरसाइज ऑफ पावर। ऐसा भी नहीं हो कि यार कोई पब्लिक सर्वेंट ने अपने लॉफुल एक्सरसाइज ऑफ पावर में वो प्रोवोक किया हो आपको, दैट इज ऑल्सो नॉट अलाउ। थर्डली दैट द प्रोवोकेशन इज नॉट गिवन बाय एनीथिंग डन इन द लॉफुल एक्सरसाइज ऑफ द राइट टू प्राइवेट डिफेंस। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि लॉफुल एक्सरसाइज ऑफ राइट टू प्राइवेट डिफेंस चल रहा है और उसमें आपने किसी को यहाँ पर प्रोवोक कर दिया है, ठीक है, यस। तो यहाँ पर प्लीज रीड दिस इलस्ट्रेशन एंड लेट लेट मी नो इफ दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अगर नहीं है क्लियर तो फिर आई विल एक्सप्लेन इट टू यू, ठीक है। ओके आई एम वेटिंग फॉर अदर्स हिमानी।
ऑलराइट ये प्लीज हिमानी ये वाले भी एग्जांपल एक बार पढ़ लो, और कोई डाउट हो किसी पर्टिकुलर एग्जांपल में तो प्लीज लेट मी नो। ई वाला समझा दूं? ठीक है, देखो ए अटेम्प्ट टू पुल जीज नोज एंड जी इन द एक्सरसाइज ऑफ द राइट टू प्राइवेट डिफेंस ले होल्ड ऑफ ए टू प्रिवेंट हिम फ्रॉम डूइंग सो। ठीक है, तो अब ए ने क्या करा, पुल करने की कोशिश करी जेड की नोज को, और जेड ने अपने प्राइवेट डिफेंस में क्या करा, ए को प्रिवेंट करा। ए इज मूव टू सडन एंड वायलेंट पैशन इन कॉन्सिक्वेंस, और अब उसको गुस्सा कि मेरे को धक्का कैसे दे सकता है कोई, और उसने जेड को मार दिया। दिस इज मर्डर इन एज मच एज द प्रोवोकेशन वॉज गिवन बाई अ थिंग डन इन द एक्सरसाइज ऑफ द राइट टू प्राइवेट डिफेंस। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि यार जेड तो अपना प्राइवेट डिफेंस कर रहा था ना, अगर कोई आपकी नाक खींचेगा तो आपके पास राइट डी उसको धक्का देकर के आप भगा सकते हो। अब अगर आपने उसको भगाया है ना, और उसमें उसने आपको मार दिया, तो ऐसा नहीं है कि उसको गुस्सा आ गया था आपके ऊपर और सडन प्रोवोकेशन थी। दिस विल नॉट अमाउंट टू ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, इसको हम ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन का केस नहीं मान सकते हैं। ठीक है, ऑल राइट। और एफ समझ में आ गया, एफ और पढ़ लो। ओके यस, अब आती है एक्सेप्शन टू कि कब कल्पेबल होमिसाइड मर्डर नहीं होगा, है ना। कल्पेबल होमिसाइड मर्डर नहीं होगा जब आप इन द एक्सरसाइज ऑफ गुड फेथ ऑफ द राइट टू प्राइवेट डिफेंस ऑफ पर्सन और प्रॉपर्टी एक्सीड कर देते हो पावर गिवन टू यू बाय लॉ, और उससे क्या होती है किसी इंसान की आप डेथ का कॉज कर देते हो। ठीक है, इसमें कोई तरह किसी तरह का प्री मीडिएशन नहीं होना चाहिए, कोई ऐसा इंटेंशन नहीं होना चाहिए कि आप किसी से ज्यादा हार्म कॉज कर रहे हो देन इज नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ डूइंग सच डिफेंस। ठीक है, तो कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर इफ द ऑफेंडर इन द एक्सरसाइज इन गुड फेथ ऑफ द राइट टू प्राइवेट डिफेंस ऑफ अ पर्सन और प्रॉपर्टी एक्सीड्स द पावर गिवन टू हिम बाय लॉ एंड कॉज द डेथ ऑफ दैट पर्सन। ठीक है, तो अगर आप राइट टू प्राइवेट डिफेंस कर रहे थे और वहां पे आपको अलाउड नहीं था किसी को मार देना, हमने देखा था कि कुछ राइट होते हैं, कुछ केसेस होते हैं जहां पर अलाउड है मारना, कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जिसमें अलाउड नहीं है मारना। अब अगर आपने ऐसे केस में जिसमें अलाउड नहीं था मारना वहां पे किसी को मार दिया, तो यहाँ पर आप पे कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर लगेगा, है ना। मर्डर का केस नहीं लगेगा, नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर लगेगा। ओके ओके यस, एक्सेप्शन 3 क्या होती है देखो। अब एक्सेप्शन 3 हमने सिर्फ पब्लिक सर्वेंट को दिए कि या तो आप पब्लिक सर्वेंट हो या किसी पब्लिक सर्वेंट की मदद कर रहे हो, उस समय आपसे किसी का कत्ल हो जाए तब अगर आप यहाँ पे क्या मर्डर के लिए लायबल नहीं होंगे, यू विल बी लायबल फॉर कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। एक्सेप्शन नंबर 4 क्या होती है, कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर इफ इट इज कमिटेड विदाउट प्रीमेडिएशन इन अ सडन फाइट इन द हीट ऑफ पैशन अंडर अ सडन क्वारल एंड विदाउट द ऑफेंडर हैविंग टेकन अनड्यू एडवांटेज और एक्टेड इन अ क्रूअल और अनयूजुअल मैनर। तो कल्पेबल होमिसाइड तब भी मर्डर नहीं होगा जब आपने बिना प्रीमेडिएशन के लिए सडन फाइट एंड क्वारल हो गई आपकी, एकदम से झगड़ा हो गया। अब एकदम से झगड़ा हो गया और तब आपने किसी को अगर मार दिया है ना, तो फिर क्या हो जाएगा, तो अगेन इट विल नॉट अमाउंट टू मर्डर, लेकिन उसके लिए झगड़ा होना जरूरी है।
एक्सेप्शन 5 क्या बोल रही है कि कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर व्हेन द पर्सन हुज डेथ इज कॉज्ड बीइंग अबाउट द एज ऑफ 18 इयर्स सफर्स डेथ और टेक्स द रिस्क ऑफ डेथ विद हिज ओन कंसेंट। तो अगर कोई इंसान अपने खुद के कंसेंट के हिसाब से डेथ कॉज करता है तो वो मर्डर नहीं होगा। ऑलराइट गाइस, तो इस पे हम एक ब्रेक लेंगे छोटा सा एंड आई विल
ऑल राइट गाइस, चलिए शुरू करेंगे. लेट मी नो थ्रू कमेंट्स इफ यू आर स्टिल देयर. यस ओके. अब हम आते हैं पनिशमेंट फॉर मर्डर. आखिर मर्डर के लिए पनिशमेंट क्या दी जाती है? तो द पनिशमेंट फॉर मर्डर इज डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, है ना. तो पनिशमेंट फॉर मर्डर कितनी है? सिंपल है, डेथ है या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है, है ना. एंड यू मे ऑल्सो बी लाइबल फॉर अ फाइन. तो आपके ऊपर फाइन भी लग सकता है डेफिनेटली. ओके, है ना. तो अब आप एक बात बताओ कि जनरली अगर मान लो आपने किसी का मर्डर कर दिया, है ना, लेट जस्ट से कि दुर्विश ने किसी का मर्डर कर दिया. अगर दुर्विश ने किसी का मर्डर करा है तो उसको क्या पनिशमेंट दी जाएगी? व्हाट एग्जैक्ट पनिशमेंट डू यू थिंक दुर्विश को दी जाएगी? क्या पनिशमेंट मिलेगी दुर्विश आपको? क्या लगता है आपको? डेथ की मिलेगी, लाइफ इंप्रिजनमेंट की मिलेगी? लाइफ इंप्रिजनमेंट की मिलेगी. ऐसा क्यों है? व्हाई विल यू नॉट बी गिवन डेथ पनिशमेंट? आपको डेथ पनिशमेंट क्यों नहीं मिलेगी? देखो, जनरली क्या होता है कि वी हैव मेट लाइफ इम्प्रिजनमेंट टू बी द डिफॉल्ट ऑप्शन. डेथ अकॉर्डिंग टू बचान सिंह केस हमने रेयरेस्ट ऑफ द रेयर में कर रखा है ना. यस यस दुर्विश, वी कैन से दैट योर आर्ग्यूमेंट इज ठीक, बट एट द सेम टाइम दैट द सुप्रीम कोर्ट हैड सेड दैट डेथ पनिशमेंट शुड बी गिवन इन द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस, है ना. हर किसी केस में हमको डेथ पनिशमेंट नहीं देनी है. सो दे हैव क्लियरली स्पेसिफाइड ईटीआर कि ये फालतू में लोगों को डेथ डेथ मिल जाती है, वो नहीं हमको करना है, ठीक है. अब कई बार क्या होता है, पनिशमेंट फॉर कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर. एक बार इस सेक्शन को पढ़ो, दिस इज अ वेरी सिंपल सेक्शन, तो इतनी कोई इशू नहीं आएगा आपको इस सेक्शन को पढ़ने में, है ना. कि कई बार इफ यू आर नॉट इवन, ये भी हो सकता है ना कि यू आर नॉट इवन लायबल फॉर इट, तब आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, वो आपको थोड़ा सा देखना है. ओके,
ठीक है। अब यहाँ पे कुछ एक डोरी डेथ भी होता है। डोरी डेथ बेसिकली क्या होता है कि अगर मान लो शादी के 7 साल के भीतर एक महिला की मौत हो जाती है और उसमें हम देख रहे हैं कि कोई बॉडी इंजरी या बर्न्स हो रही है, तो हम प्रिज्यूम कर लेते हैं, देर इज अ प्रिजम्पशन कि ये डोरी डेथ है ना। ओके। इसके अलावा अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड एक बड़ा इंटरेस्टिंग सेक्शन है इंडियन पिनल कोड का, जहाँ पे अटेम्प्ट इज पनिशेबल। यहाँ पे अटेम्प्ट जो होता है वो पनिशेबल होता है, ठीक है। अबेटमेंट ऑफ सुसाइड ऑफ चाइल्ड और इनसेंट पर्सन, अगर मान लो आपने किसी का भी अबेटमेंट करा है सुसाइड, भले वो चाइल्ड हो या इनसेंट पर्सन हो, तब आपको 10 साल तक की सजा मिल सकती है ना। और अगर आप यहाँ पर किसी का अबेटमेंट कर रहे हो सुसाइड का, तो आपको 10 साल तक की सजा हो सकती है। अबेटमेंट ऑफ सुसाइड क्या है कि किसी को सुसाइड के लिए उत्पीड़ित करना, मतलब यू आर मेकिंग दैट पर्सन गो मैड, यू आर फोर्सिंग दैट पर्सन टू कमिट सुसाइड और समथिंग ऑन द सेम्स लाइन। अगर उस तरह से कोई भी काम कर रहे हो तो दैट विल कम अंडर अबेटमेंट ऑफ सुसाइड। ठीक है, क्लियर हुआ, समझ में आया? यस दुर्विश, इट विल नॉट बी अ डोरी डेथ बट इट विल बी अ केस ऑफ 498A, है ना। तो डोरी हरासमेंट का केस लग जाएगा अगर सुसाइड है तो। चलो रीड दिस सेक्शन एक बार, अटेम्प्ट टू मर्डर वाला सेक्शन पढ़ो एक बार। नहीं, लड़ाई के मजे लेना कहाँ से पनिशमेंट में आएगा, उसमें आपने क्या करा? ओके ठीक है, लेट्स रीड दिस एक बार, ये इलस्ट्रेशंस को पढ़ो और इफ यू हैव एनी डाउट इन दिस इलस्ट्रेशंस प्लीज लेट मी नो।
यस इट विल बी अटेम्प्ट टू मर्डर। अटेम्प्ट टू मर्डर का मतलब होता है कि मर्डर करना, लेकिन ऐसा मर्डर जो अनसक्सेसफुल रहा, सिंपल इतना सा था। अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट इज अटेम्प्ट टू मर्डर। ओके यस ठीक है। चलो यहाँ पे हमारा ये वाला चैप्टर खत्म होता है दोस्तों, है ना। एक बार हम एक और हमें करना है, विच इज द ऑफेंसेस अगेंस्ट बॉडी। तो बॉडी के अगेंस्ट कौन कौन से ऑफेंसेस, सॉरी ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, है ना। तो प्रॉपर्टी के अगेंस्ट जो जो ऑफेंसेस हो सकते हैं उनको हम एक बार देख लेते हैं। ओके यस। तो देखो प्रॉपर्टी के अगेंस्ट आपका थेफ्ट हो सकता है, एक्सट्रॉर्शन हो सकता है, रोबरी डकैती हो सकती है, क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी हो सकती है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो सकता है, रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी हो सकता है, चीटिंग, फ्रॉडुलेंट डीड एंड डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, मिसचीफ और क्रिमिनल ट्रेसपास। ये 10 ऑफेंसेस होते हैं जो प्रॉपर्टी के अगेंस्ट आप कर सकते हो, है ना। तो एक एक करके हम इनको जानते हैं कि प्रॉपर्टी के अगेंस्ट कौन कौन से ऑफेंसेस हो सकते हैं। तो सबसे पहले थेफ्ट होता है। प्लीज रीड सेक्शन 378 ऑफ थेफ्ट, एक बार ये सेक्शन पढ़ो, है ना। ये कई बार आपने प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन में देखा होगा।
डन, स्क्रीन ऑफ हो रही है। अच्छा एक बार आप देखो दुर्विश, अभी ठीक है ना भाई? ओके ठीक है। तो थेफ्ट में क्या होता है, देखो जब भी आप मूवेबल प्रॉपर्टी को किसी इंसान के पजेशन के बाहर ले जाते हो तो उसको हम थेफ्ट बोलते हैं। यहाँ पे ओनरशिप का कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, हमको पजेशन के बाहर ले जाना है, यानी कि टेक्निकली आप अपनी खुद की प्रॉपर्टी का चोरी कर सकते हो। मान लो आपकी घर पे आपने फ्रिज वगैरह रख रखा है, वहां पे किराए से लोग रखे हैं। अब आपने क्या करा, फ्रिज अपने जहाँ पे किराएदार का घर है वहां से फ्रिज निकाल के चोरी कर लिया। तो प्रॉपर्टी तो आपकी थी लेकिन पजेशन किसी और का था, और क्योंकि पजेशन किसी और का था तो यहाँ पे थेफ्ट हो सकता है। ठीक है, ये कुछ इलस्ट्रेशन है, इसको प्लीज एक बार पढ़ो। दुर्विश, यहाँ पे हमको देखना होगा कि ए ने कुछ बैट करी थी क्या। अगर ए ने उसको कुछ उकसाया नहीं है, कुछ भी नहीं करा है, तो फिर तो कुछ नहीं कर सकते आप उस केस का। हाँ, इन दैट केस यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। बट अगर हमको ये पता चलता है कि ए ने उसको उकसाया था या कुछ भी ए का हाथ था उसमें, तब ये थेफ्ट हो सकता है। ठीक है, दीज आर सम ऑफ द अदर एग्जाम्पल्स। कुछ और एग्जाम्पल्स भी है यहाँ पे, अनलेस आपने पुराने वाले नहीं पढ़े हो तो फिर मैं पुराने वाले पे लेके जाता हूँ। ओके, तो हमने यहाँ पर अभी क्या करा, वी हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ थेफ्ट। हमने थेफ्ट का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लिया। अब थेफ्ट के बाद हमको दो तीन चीजें और समझनी होती है, जैसे कि रॉबरी
डकैती, रॉबरी और डकैती के बाद देर आर सेवरल अदर थिंग्स। तो अब जैसे हम यहाँ पर अभी पनिशमेंट फॉर थेफ्ट की बात करेंगे, उसके बाद हमको क्या देखना है, वी हैव टू ऑल्सो चेक एक्सटॉर्शन। व्हाट इज एक्सटॉर्शन, है ना, एक्सटॉर्शन क्या होता है ये देखते हैं एक बार। यस, हुएवर इंटेंशनली पुट्स एनी पर्सन इन फियर ऑफ एनी इंजरी टू दैट पर्सन और टू एनी अदर, वेयर फॉर एग्जाम्पल इफ अ पर्सन फाउंड मनी ऑन रोड एंड कीप्स इट विद हिमसेल्फ एंड लेट ऑन द अदर कम सर्चिंग फॉर द मनी सो ही कैन यूज। डिपेंड करता है दुर्विश को कि देखो जब पैसा उसने रोड से उठाया था तब क्या था, तब हम ये देखते हैं कि इट डिड नॉट हैव, है ना, इट वॉज नॉट इन द पोजिशन ऑफ दैट पर्सन, वो उसके पोजिशन में तो नहीं था, और क्योंकि वो उस इंसान के पोजिशन में नहीं था तो यहाँ पर आप थेफ्ट के लिए सू नहीं कर सकते। हाउएवर लॉ ये बोलता है कि इफ यू आर अ फाइंडर ऑफ अ गुड यू हैव अ वैलिड क्लेम अगेंस्ट ऑल द सोसाइटी एक्सेप्ट फॉर द पर्सन हु ओन्स इट, यानी कि अगर आपको कोई प्रोडक्ट मिला है तो आपके पास क्या है, आपके पास वैलिड राइट है सिर्फ उस इंसान को छोड़ करके जिसका वो एक्चुअल में, तो अगर वो आता है तो आपको उसको लुटाना पड़ेगा इफ यू कैन प्रूव कि हाँ यार इसकी ऑनरशिप थी। ठीक है, यस। एक्सटॉर्शन में क्या होता है, एक्सटॉर्शन थेफ्ट में आपने चुराया, एक्सटॉर्शन में आपने किसी को कंपेल कर दिया कि ये सामान हमको दो, तो एक्सटॉर्शन और थेफ्ट में ही अंतर है। तो एक्सटॉर्शन के इलस्ट्रेशन आप एक बार पढ़ लो, प्लीज रीड द इलस्ट्रेशन फॉर एक्सटॉर्शन गाइस। ओके, यस। अब एक्सटॉर्शन की पनिशमेंट क्या है, एक्सटॉर्शन की पनिशमेंट देखो होती है, इट कैन बी एक्सटेंडेड टू 3 ईयर्स, है ना। इसके अलावा फिर हम आते हैं डकैती पे, ठीक है, एक सेकंड, डकैती कहाँ पर है, रॉबरी पर। ओके, रॉबरी क्या होती है, देखो हर तरह की रॉबरी में ना या तो थेफ्ट होता है या एक्सटॉर्शन होता है। ठीक है, थेफ्ट इज रॉबरी इफ इन ऑर्डर टू कमिटिंग ऑफ द थेफ्ट और इन कमिटिंग द थेफ्ट और इन कार्विंग अवे और अटेम्प्टिंग टू कैरी अवे प्रॉपर्टी ऑब्टेन बाय द थेफ्ट द ऑफेंडर फॉर दैट एंड वॉलंटरली कॉजेस और अटेम्प्ट टू कॉज टू एनी पर्सन डेथ और हर्ट और रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट और फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ और ऑफ इंस्टेंट हर्ट और ऑफ इंस्टेंट रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट। ओके, यस, आदि नहीं यार अटेंड तो करना चाहिए बिकॉज फिर आपका अटेंडेंस पूरी नहीं होगी ना। यस, तो अगर आपने थेफ्ट के साथ ये चीजें मिला दी कि हर्ट या रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, इंस्टेंट डेथ या इंस्टेंट रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, ठीक है, तो इंस्टेंट हर्ट, इंस्टेंट रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट या इंस्टेंट डेथ, ये तीन चीजें आपने थेफ्ट के साथ या रॉबरी के एक्सटॉर्शन के साथ मिला दी तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये आपकी रॉबरी बन जाएगी। तो जब आप थेफ्ट करते वक्त किसी को डरा देते हो, एक्सटॉर्शन करते वक्त किसी को डरा देते हो कि मैं आपको मार दूंगा, मार डालूंगा या फिर आपको पकड़ लूंगा, तब आप क्या कर रहे हो, एसेंशियली यू आर कमिटिंग एन ऑफेंस, आप एक ऑफेंस कमिट कर रहे हो एंड दैट इज गोइंग टू बी अ सीरियस ऑफेंस, वो एक सीरियस ऑफेंस होगा रॉबरी का। ठीक है, और सिमिलरली एक्सटॉर्शन का भी आप पढ़ोगे तो आपको रियलाइज होगा कि सेम चीज यहाँ पर बताई जा रही है ना, कि एक्सटॉर्शन में जो आपको बोला गया था वही यहाँ पर भी बोल दिया गया है। ओके,
ओके यस, एक बार इलस्ट्रेशंस पढ़ लो गाइस, प्लीज रीड द इलस्ट्रेशंस पढ़। If there are any doubts in this illustration guide, please let me know. Please मुझे बताना। ओके गाइस डन है, ठीक है। तो यहीं पे ना अब हमारी क्लास को एंड करेंगे, क्योंकि जो बाकी का पार्ट है हम हमारी क्लासेस में भी देखेंगे, ठीक है। तो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द क्लास। लेट्स क्लैट इट, अनअकैडमी, लेट्स क्रैक इट। हैव अ ग्रेट डे एंड विल मीट अगेन गाइस। ओके, देर आर फ्यू थिंग्स दैट आई वॉन्ट टू शो यू एक बार, तो एक सेकेंड। अब देखो हमारी स्पेशल क्लास है 4:30 बजे, वो उसमें आप आ सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल क्लैट 2023 टॉपर्स, दे हैव मेड अस रियली प्राउड। तो अगले साल आपका नाम यहाँ पे आ सकता है। अभी फरवरी 16 से 21 फरवरी तक, यानी कि कल तक एक ऑफर चल रहा है, जिस पर अगर आप दिव्य कुमार गर्ग कोड यूज़ करते हो तो आपके 40% तक बचत हो सकती है ऑन योर अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। तो आप अनअकैडमी, एक सेकेंड, यहाँ पे आपको देख नहीं रहा होगा ना, नाउ आपको दिखेगा, यस। तो अभी एक ऑफर चल रहा है अनअकैडमी पर, जिस पर आपको 40% तक का प्राइस हाइक से बचने का मौका मिल रहा है। प्राइस हाइक 28 फरवरी से होने वाला है, उसके पहले आप 21 फरवरी तक ये ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। अनअकैडमी पर 23 फरवरी से एक नई बैच शुरू हो रही है, जिसका नाम है सक्सेस एनएलयू, विच इज अ कॉम्प्रेहेंसिव बैच फॉर क्लैट एंड एनएलयू 2024, है ना। ये फरवरी 23 से शुरुआत हो रही है इस बैच की, और इसमें आप एनरोल कर सकते हैं। साथ ही में लॉ विस्तारा बैच है, विच इज एन इंटेंसिव बैच फॉर अदर लॉ एंट्रेंस टेस्ट, इसमें एल सेट, स्लैट, एम एच सी टी, क्यू सेट, पी यू सेट, इन सब की तैयारी आप कर सकते हो। ये ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, तो अगर आप इस तरह की और क्लासेस देखना चाहते हो तो इस बैच में आ सकते हो। फरवरी 16 से चालू हुई है, तो अभी इसका आप पार्ट बन सकते हो। साथ ही में आप अभी अनअकैडमी के साथ अब LLB ड्रीम करके एक बैच की शुरुआत भी हुई है, मतलब कि LLB एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी भी अब होगी आपकी अनअकैडमी पर। ये गाइस, तो इसी के साथ देखते हैं। तो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द क्लास, लेट्स क्लैट इट, है ना, अनअकैडमी, लेट्स क्रैक इट। तो हैव अ ग्रेट डे गाइस, एंड वी विल मीट अगेन। थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग इन टुडे।
बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, हिमानी स्पेशल थैंक्स टू यू, यू हैव बीन थ्रू आउट द क्लास, थैंक यू सो मच। पूरी क्लास तक बने रहे। ओके चलिएगा, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस। All right, thank you so much.